Hello, good morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें Wi-Fi Study चैनल को. Hello, good morning, India. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. नाउ वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ वन एकेडमी ग्रुप फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं. और मैं दीपक तीर्थयानी आपके लिए लेकर हाजिर हूं एक स्पेशल जबरदस्त लाजवाब सेशन वेन डायग्राम पर, जिसके अंदर हम लोग करने वाले 300 क्वेश्चंस. आर यू एक्साइटेड गाइस? फटाफट से जल्दी से आ जाइए. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वॉइस वगैरह बता दीजिए एकदम क्लियर है या नहीं है. हाउ आर यू गाइस? वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. गुप्ता जी गुड मॉर्निंग. पवन गुड मॉर्निंग. दुर्गा, दीपक, प्रवीण, जल्दी से फटाफट से आ जाएंगे और जबरदस्त सेशन को शेयर कर देंगे, आग लगा देंगे. बिल्कुल जबरदस्त 300 क्वेश्चन अपन लोग करने वाले हैं. पेन और पेपर एक बार जल्दी से ले लीजिए मेरे भाई. क्या बात है, क्या बात है. जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था, अब उस इंतजार की घड़ियां खत्म होने का समय हो गया है और बिल्कुल अपन लोग जो है सेशन स्टार्ट करने वाले हैं. वेन डायग्राम पर 300 क्वेश्चंस अपन लोग करेंगे कंप्लीट कंसेप्ट के साथ में और विद इन 5-5 सेकंड्स के अंदर में. चलिए जल्दी से फटाफट से एक बार सभी लोगों से अनुरोध है ताकि सभी लोग आ जाएं, किसी का छूटे नहीं, क्योंकि यहां से अपनी जर्नी, असली जर्नी है जिसको मैं बोल सकता हूं एनटीपीसी के लिए, जो आखिरी और फाइनल तैयारी जो है दोस्तों वो मैं आपको करवाने वाला हूं हर सैटरडे संडे. और साथ ही साथ दोस्तों आपको स्पेशल सेशंस जो हैं साइल सर भी प्रोवाइड कराएंगे और बाकी की फैकल्टीज भी. तो दोस्तों जल्दी से फटाफट से जो है आप लोग एक बार पर्सनली अनुरोध है कि जल्दी से शेयर कर दीजिए, आग लग जानी चाहिए. बिल्कुल आज के सेशन में बिल्कुल धमाकेदार परफॉर्मेंस होनी चाहिए. आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ फटाफट से. एकदम बिल्कुल सही का यहाँ पे विवेक जी, मक्खन की तरह सारी चीजें क्लियर कर लेंगे, ठीक है. और अगले सेशन का जो नेक्स्ट सैटरडे को सेशन होगा दोस्तों, उसके लिए भी मैं आपको आज अनाउंस करूंगा कि मैं आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ कंटिन्यूसली बेसिस पर, ठीक है. इसी तरीके से आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ फटाफट से. देखो सीधी सी बात है, अपनी तैयारी बिल्कुल सजग है. चाहे हम लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, या फिर हमारा टारगेट एसएससी सीजीएल क्यों ना हो, हम लोग डेफिनेटली रीजनिंग के अंदर तो पूरे में से पूरे नंबर बटोरने वाले हैं, ये डेफिनेटली वादे के साथ मैं आपको बोल सकता हूं. और आप लोग भी बहुत ही एक्साइटेड होंगे, आप लोगों के बिल्कुल इससे दिख रहा है कि जोश और उत्साह से दिख रहा है कि आप लोग भी बिल्कुल तैयार हैं, आग लगाने के लिए तैयार हैं बिल्कुल आज के सेशन में. तो स्टार्ट करें भाई, जल्दी से बता दो फटाफट से, शेयर कर दीजिए सभी लोग. 3000 बच्चे हैं जो हैं, बिल्कुल फटाफट से एक एक बार शेयर कर देंगे सेशन को, क्योंकि सेशन बहुत ही अच्छा, बहुत ही सटीक और लाजवाब होने वाला है मेरे भाई. क्या बात है. ओके तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, फटाफट से एक बार थम्सअप कर दो मुझे, थम्सअप करके बता दो कि यस सर हम लोग रेडी हैं, बिल्कुल रेडी हैं. थम्सअप कर दो, वॉइस वगैरह एकदम क्लियर आ रही है बढ़िया तरीके से मक्खन की तरह. शेयर कर दो एक बार फिर से सेशन को ताकि सभी लोग आ जाएं भाई. जुड़ जाओ यार, जुड़ जाओ जल्दी से फटाफट से. अपना टारगेट बिल्कुल क्लियर है एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 में मिला के अपने को मैथ रीजनिंग के अंदर पूरे मार्क्स बटोरने हैं. और एकमात्र सब्जेक्ट्स, ये दो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें 100% एक्यूरेसी आप लोग गेन कर सकते हैं. 65 में से 65 हम लोग डेफिनेटली रीजनिंग के अंदर भी बटोरेंगे और मैथ्स के अंदर भी बटोरेंगे, जो कि साहिल सर आपके लिए स्पेशल सेशंस लेके आया करेंगे. साथ ही साथ सीजीएल में तो दुनिया की कोई ताकत अपने को नहीं रोक सकती है रीजनिंग के अंदर पूरे 50 में से 50 नंबर उठाने से, ठीक है. बहुत सारे बच्चों के आए हैं और 2019 की तैयारी में भी अपन लोग बिल्कुल डेफिनेटली 4 चांद लगा देंगे, सही है नहीं है. चलिए तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं अपना पहला सेशन, पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को दिल से पसंद आएगा. तो अभी से बोल देता हूं कि लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए. चलिए भाई स्टार्ट करता हूं, ये लीजिए, ठीक है, ये रहा आपके सामने. पर उससे पहले आप लोग ये चीज ढंग से एक बार पढ़ लें और समझ लें. हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं,
अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देगी। ये आप लोग ध्यान रख लेना मेरे भाई। आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर सकते हैं जो आपके हाथ में, आपके हाथ में क्या है, मेहनत करना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है और आप वही कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। आप ये मत सोचिए कि आपने पहले क्या किया था, भूत में आपके साथ क्या हुआ, आपने कितनी पढ़ाई करी कितनी पढ़ाई नहीं करी। आज और आगे वाला टाइम डिसाइड करेगा कि आप अपने फ्यूचर में किस जगह तक पाना चाहते हैं चीजों को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो एक बार देख लीजिए यहाँ पर। हम चाहें तो अपना आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता, यानी कि अगर हमें मेहनत करनी नहीं आती, तो जो हमारी परिस्थितियां होंगी ना मेरे भाई, वो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देगी। तो इसीलिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में जीजिए, ठीक है। दुनिया की ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा किताब का जो मैंने इस सेशन के अंदर नहीं उठाया हो। जो एग्जाम में आए हुए हैं, जितने भी एग्जाम आपके पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होते हैं, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, उसके जहां जहां भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन था, वो सारे क्वेश्चन आज के सेशन में आपको दिखने वाले। पहली बात तो ये, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। इधर पहला क्वेश्चन आपके सामने, सब्जियां आलू गोभी, जल्दी जल्दी से करते जाएंगे, रैपिड फायर क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप लोग जवाब देना, आप लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। सब्जियों में कौन आएगा, आलू भी आएगा गोभी भी आएगा, डेफिनेटली हम लोग जानते हैं आलू और गोभी दोनों सब्जियों के अंतर्गत आएंगे। तो आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, टेबल चेयर फर्नीचर, टेबल चेयर फर्नीचर, जल्दी से जवाब दीजिए भाई, इसका क्या आने वाला है, फटाफट से शेयर कर देंगे भाई एक बार सेशन को, फटाफट से जल्दी से शेयर कर देंगे। आ जाओ भाई सभी लोग आ जाओ, लेट होने का टाइम नहीं है अब। 300 क्वेश्चन सर, दूसरा क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाला है, तो जल्दी से फटाफट से रिप्लाई करते जाइए। पेन तो चलाना है ही नहीं ना भाई, सिर्फ आंखों की कसरत है, आंखों पे जोर डाल के दिमाग में सोचना है मेरे भाई कि कैसा डायग्राम बन सकता है, क्या लॉजिक लगेगा। टेबल कुर्सी फर्नीचर के अंदर दोनों आ जाएंगे, टेबल भी आ जाएगा कुर्सी भी आ जाएगा, फर्नीचर के अंदर दोनों आ जाएंगे, टेबल भी आ जाएगी कुर्सी भी आ जाएगी, ठीक है। आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट, सप्ताह दिन वर्ष वीक डे ईयर, क्या बनेगा, सप्ताह दिन और वर्ष, वीक डे एंड ईयर, वीक डे एंड ईयर, भैया ये रहा, ठीक है ना। ये ईयर, ईयर के अंदर क्या होंगे, वीक्स होंगे, और वीक्स किससे बनेंगे, डेज से मिलकर बनेंगे, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जज चोर अपराधी, जज थीफ क्रिमिनल, चारों डायग्राम आपके सामने है, फटाफट से रिप्लाई करते जाओ। जज चोर और अपराधी, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ फटाफट से यार, लेट नहीं होना है यार, जल्दी से फटाफट से शेयर करो एक बार। जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं आपके, जितने भी भाई बंधु हैं, उन सब तक चीज पहुंचानी चाहिए कि स्पेशल सेशन चालू हो गया है और दम है, तो 300 क्वेश्चन करके देख लो एक बार कितनी जल्दी आप लोग कर सकते हैं। जो अपने वाईफाई स्टडी परिवार का हिस्सा है, जो वाईफाई स्टडी से कंटिन्यू जुड़ा हुआ है ना, वो बच्चा जानता है कि पिछले 6 महीने में उसके साथ कितनी मेहनत की जा रही है। लास्ट टाइम मैंने नॉन वर्बल का स्पेशल सेशन लिया था, आपको अच्छे से याद हो, नॉन वर्बल, पूरी नॉन वर्बल मैंने एक ही लेक्चर के अंदर खत्म करी थी, है ना, आप लोग अच्छे से जानते हैं। और दोस्तों आपकी दया से, या यूं कहें कि आप लोगों के प्यार की वजह से, वो वीडियो जो है 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है, सही कि नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों फटाफट से जल्दी से एक बार शेयर कर देंगे, देखते हैं कौन 300 क्वेश्चन करने वाला है फटाफट से। देखिए इधर यहां पे, अब देखिए क्रिमिनल, भाई चोर क्या क्रिमिनल नहीं है क्या, चोर क्या क्रिमिनल है, और जज तो अलग हो गया, तो आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कुछ सोचने की जरूरत है क्या इसमें, यहां पे कुछ लोग सी ऑप्शन टिक कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि चोर अलग है अपराधी अलग है, अरे क्रिमिनल क्या चोर क्या है फिर, क्रिमिनल ही तो है, ठीक है ना, तो सी ऑप्शन कैसे आएगा, ए ऑप्शन आएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, पति पत्नी परिवार, फैमिली में पति भी होगा पत्नी भी होंगी, लेकिन पति पत्नी दोनों अलग अलग होंगे, आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, वर्ग आयत बहुभुज, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने,
वर्ग, आयत और बहुभुज, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पॉलीगन। स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पॉलीगन। जल्दी से बता देंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पॉलीगन। अब यहां पर उलझ गई भैया पिक्चर, यहां से खेल चालू होता है, यहां से खेल चालू होगा। यहां पर उलझ गई पिक्चर, बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, अलग अलग आंसर देखने को मिल रहे हैं। ये बात क्या बात है, बी भी देखने को मिल रहा है, डी भी देखने को मिल रहा है, यह क्या बात है। यहां पर दो चार ऑप्शन अगर और मैं दे देता ना, ई एफ जी एस, तो वो भी देखने को मिल जाते भाई। दिमाग पे जोर डालो और सोचो, पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज, यानी जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं। तो इतना तो समझ में आ गया कि पॉलीगन के अंदर दोनों आएंगे, स्क्वायर भी आएगा और रेक्टेंगल भी आएगा, यानी वर्ग भी आएगा और आयत भी आएगा। और मेरे भाई यहां पे जो लोग सी ऑप्शन टिक कर रहे हैं, डी ऑप्शन टिक कर रहे हैं, सीख लेना, पहली गलती तुम्हारी यहां पर पकड़ी गई है, सीख लेना ढंग से एक बार। वर्ग, आयत और बहुभुज का मतलब समझ जाना मेरे भाई। पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज। अब देख लेना, वर्ग एक आयत होता है, परंतु आयत कभी भी वर्ग नहीं होता। देख लो इधर, इसकी प्रॉपर्टी जानते हो कि नहीं जानते हो, और नहीं जानते हो तो जान लेना भाई। वर्ग तो आयत होता है, वर्ग तो आयत होता है, परंतु आयत कभी भी वर्ग नहीं होता, क्योंकि देखो स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग की तो चारों भुजाएं ही बराबर होती है, तो मैं कह सकता हूं ना इसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। भाई आयत की, आयत की क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर होती है, सही है। तो मैं तो यहां पर ये ले ली पांच 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 वर्ग के अंदर, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर है, तो आमने सामने की भुजाएं इसकी भी बराबर हो गई कि नहीं हो गई। तो वर्ग तो आयत होता है, परंतु आयत कभी भी वर्ग नहीं होता। अब अगर आयत को वर्ग बनाना है, यानी रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाना है, तो भैया स्क्वायर की प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। स्क्वायर की चार, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि चारों भुजाएं बराबर हो, तो क्या इसकी चारों भुजाएं बराबर है क्या, नहीं, सही है ना। तो भैया वर्ग तो आयत होता है, परंतु आयत कभी भी वर्ग नहीं होता। तो डायग्राम कैसा बनेगा, पॉलीगन के अंदर ये क्या बनेंगे, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर, यानी दुनिया के जितने भी स्क्वायर्स हैं वो सारे रेक्टेंगल तो है ही ना, और रेक्टेंगल किसके अंदर है, बहुभुज के अंदर है। तो सही कर लेना, पहला क्वेश्चन सही कर लेना, एग्जाम का आया हुआ जबरदस्त क्वेश्चन, या आपका एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको मिल गया। यहां पे मजा आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से थम्स अप कर दो एक बार, मक्खन की तरह एकदम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। वेरी गुड मॉर्निंग, जो लोग अभी आए हैं फटाफट से जल्दी से आ जाएंगे, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, तुरंत प्रभाव से जल्दी से आ जाओ। समझ में आ गया, थम्स अप कर दो एक बार फटाफट से कि यस सर बिल्कुल क्लियर है, शानदार तरीके से, क्या बात है, मजा आ गया बिल्कुल। अब सबका आंसर ए आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलो यहां पर सुधार कर लिया हमने, चलिए नेक्स्ट आगे। बस, कार, व्हीकल, बस, कार, व्हीकल क्या बनेगा भैया, सीधी सी बात है, व्हीकल के अंदर क्या है, बस है और कार है, बस और कार दोनों व्हीकल है। नेक्स्ट, चिंता, बुद्धि, शक्ति, चिंता, बुद्धि, शक्ति, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा भाई। क्वेश्चन देखते जाओ फटाफट फटाफट से, क्या बात है, क्या बात है, मजा आने वाला है, क्या आंसर आएगा अब। चिंता, बुद्धि, शक्ति, चिंता, बुद्धि, शक्ति, यहां पर ऑप्शन जो है, मैक्सिमम लोगों का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों का बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों का सी दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों का डी दिखाई दे रहा है। मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो, ऑप्शंस की तरफ जाओ और इनके अंदर सोचो, चिंता करना, बुद्धि, इंटेलिजेंस दिखाना, और इसके अलावा शक्ति, स्ट्रेंथ, चिंता, बुद्धि और शक्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यूं समझ लो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि कम से कम भी नहीं तो अलग अलग एग्जामों में चार से पांच बार पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन, चार से पांच बार डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो जल्दी से फटाफट से आ जाएंगे और एक बार शेयर कर देंगे वीडियो को मेरे भाई, और जल्दी से देख लेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है।
ठीक है, फटाफट से शेयर कर दीजिए एक बार और देखिए इसका जो आंसर बनने वाला है सी ऑप्शन बनने वाला है। तीनों अलग अलग है भाई, चिंता अलग है, बुद्धि अलग है और भैया स्ट्रेंथ अलग है, शक्ति अलग है। यहाँ कहाँ मिक्स कर रहे हो, सारी चीजें कहाँ मिक्स कर रहे हो भाई। मैक्सिमम लोगों का सी आ रहा था, बहुत ही बढ़िया, यानी कि उनको कम से कम इतना तो समझ में आता है कि क्वेश्चन के अंदर क्या चल रहा है। चिंता करना, बुद्धि दिखाना, शक्ति, भाई तीनों अलग अलग चीज है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहाँ कहाँ लॉजिक ही नहीं है इनके अंदर मिक्स करने का। तो घर बेडरूम बाथरूम, घर बेडरूम बाथरूम क्या आएगा भाई। अब घर है, घर के अंदर बेडरूम भी होगा तो घर के अंदर बाथरूम भी होगा, होगा कि नहीं होगा, घर के अंदर होंगे ना, सही है कि नहीं। घर के अंदर क्या होगा, बेडरूम भी होगा तो घर में क्या होगा, बाथरूम भी होगा, सही है कि नहीं। तो क्या आंसर बनेगा इसका बताइए, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या बनेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सरसों जो आलू, सरसों जो और आलू, मस्टर्ड बर्ली पटेटो, सरसों जो और आलू, जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ यार, क्या आएगा सरसों जो और आलू। मेरे भाई देख लेना इधर, सरसों अलग चीज है, जो अलग है, आलू अलग है, मेरे भाई क्या बनेगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, हाथी भेड़िया जानवर, जानवर के अंदर कौन आ गए, हाथी भी आ गए और भेड़िए भी आ गए। धातु लोहा क्लोरीन, बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन, जल्दी से बता दो। धातु लोहा क्लोरीन, डू फास्ट, बहुत बढ़िया। धातु लोहा क्लोरीन, मेरे भाई धातु और ये कौन हो गया, क्लोरीन अलग हो गया ना, लोहा क्या है, एक धातु ही तो है, आयरन क्या है, मेटल ही है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, स्तनधारी गाय कौवे, स्तनधारी कौन होते हैं, मैमल्स कौन होते हैं, वे जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और अंडे देते हैं, वो सब कौन होते हैं, मैमल्स होते हैं, ठीक है ना। तो काऊ क्या है, काऊ मैमल्स है, कौवा तो अंडे देता है, ठीक है, ये डायरेक्टली बच्चे देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो स्तनधारी होते हैं। तो मैमल्स के अंदर कौन आ गया, काऊ आ गई और क्रो अलग हो गया, इस तरीके का डायग्राम बनेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से, महिलाएं माताएं और विधवाएं, अब आएगा मजा खेल में, चलिए जल्दी से करते जाओ रिप्लाई करते जाओ यार, जल्दी से रिप्लाई करते जाओ। यहाँ पे किसी विशेष अतिथि ने यहाँ पे लिखा है कि सर क्लोरीन भी मेटल होता है। अच्छा वाह, आप अपने आप को मेटल नहीं कह देते, आयरन तो आपके अंदर भी है मेरे भाई, हाँ मेटल नहीं हो ना आप, सही है। तो तबीयत बिल्कुल सही रखें, बिल्कुल चाय वाय नहीं पिए तो एक बार चाय वाय पी लें आराम से, मॉर्निंग का समय है, नाश्ता वास्ता कर लें एक बार बढ़िया तरीके से और फिर पधारना चाहिए था यार। चलिए जल्दी से बताइए क्या बनेगा डायग्राम, ए बी सी डी अलग अलग आंसर देखने को मिल रही है, क्या बात है मजा आने वाला है भाई, बहुत मजा आने वाला है, सही है ना। चलिए फटाफट से, मक्खन की तरह चीज़ें तो क्लियर होंगी पर आप लोग अपना दिमाग का आईक्यू जो है वो भी एक बार देख लो कि किस तरीके से आप लोग सोच पा रहे हो क्वेश्चन के लिए, ठीक है। एक बात बताओ, सुनना इधर समझना, एक बात बताना भाई, विधवा कौन बनेगी, महिला नहीं बनेगी क्या, यानी दुनिया की जितनी भी विधवाएं हैं क्या वो महिला नहीं होंगी, अरे अक्कल के दुश्मनों बताओ, क्या दुनिया की जितनी भी विधवाएं होंगी वो कौन होंगी, महिलाएं तो होंगी, और दुनिया की जितनी भी माताएं होंगी क्या वो महिलाएं नहीं होंगी, सही है कि नहीं है। तो इतना तो समझ में आ जाना चाहिए था, आज इसका मतलब आप पहला ऑप्शन टिक कर रहे हो, इसका मतलब तो ये हो गया कि कुछ विधवाओं को आप महिला ले रहे हो, यानी कुछ विधवाएं जो हैं वो महिला हैं, बाकी महिलाएं नहीं हैं, हैं जो विधवा हो गई वो महिला नहीं है, वो कौन है भाई, वो कहाँ से आए ये बताओ मुझे आप, है शुक्र ग्रह से आए, मंगल ग्रह से आए, बृहस्पति से आए, ये आपके घर वर से कहीं से आस पड़ोस से आए, जंगल से उठ के आए, कहाँ से उठ के आए मेरे भाई, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगाया करो, जितनी भी विधवाएं हैं वो कौन है, महिलाएं हैं, जितनी भी माताएं हैं वो सारी कौन है, महिलाएं हैं, और कुछ विधवाएं ऐसी होंगी जो कौन होंगी, माता होंगी। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा और इस तरीके का डायग्राम डी ऑप्शन में दे रखा है, कहां पर दे रखा है, डी ऑप्शन के अंदर दे रखा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, आपस में भी कट करेंगी, कुछ माताएं जो होंगी वो विधवा होंगी, जरूरी क्या सारी हो, नहीं ना, कुछ माताएं होंगी जो विधवा होंगी। तो इस तरीके का लॉजिक बनेगा, आराम से सोच समझ के किया करो,
रिलैक्स होके किया करो, कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। फटाफट से शेयर कर देंगे, एक बार दिल से लाइक करते हुए चलेंगे सेशंस को। बहुत ही बढ़िया, शानदार, लाजवाब, मजा आ गया बिल्कुल देख के। चलिए अगला क्वेश्चन, लेखक शिक्षक पुरुष, लेखक शिक्षक और पुरुष क्या आएगा? लेखक शिक्षक और पुरुष बताओ। लेखक शिक्षक और पुरुष, देखना भाई इधर, ये देखो शिक्षक, ये देखो पुरुष है। आज कुछ पुरुष होंगे जो टीचर बने होंगे, भाई सीधी सी बात है, ठीक है, और कुछ ऐसे पुरुष होंगे जो शिक्षक भी होंगे और टीचर भी होंगे। आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें तीनों ही, जिनमें जो इनमें दोनों ही गुण हो, वो शिक्षक भी हो, लेखक भी हो और पुरुष भी हो, ठीक है। तो किस तरीके का डायग्राम बनेगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। केरल, बिहार, भारत, सोचने की जरूरत ही नहीं है। भारत के अंदर बिहार भी है और केरल भी है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल कार मोटरसाइकिल, ऑटोमोबाइल कार मोटरसाइकिल, जल्दी से बता दो फटाफट से, ऑटोमोबाइल कार, ऑटोमोबाइल कार मोटरसाइकिल, देखते हैं कितने लोग बताते हैं फटाफट से। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ यार, फटाफट से आ जाओ, लेट क्यों हो रहे हो, जल्दी से फटाफट से। 300 क्वेश्चन अपन लोग करने वाले मेरे भाई, और 17वें क्वेश्चन पे अपन लोग पहुंच चुके हैं। स्पीड बढ़ाएंगे तब जाके 300 क्वेश्चन हो पाएंगे, अदरवाइज ऐसे तो नहीं हो पाएंगे। तो जल्दी जल्दी से आप लोग जो हैं अभी जल्दी से जुड़ जाएं, ताकि जो है किसी का ज्यादा लॉस न हो। जल्दी से 200, अभी तो 283 क्वेश्चन भाई करने हैं तुमको, जल्दी से फटाफट से करो स्पीड से। क्या आंसर आ रहा है भाई? ऑब्वियस ही बात है ना यार, मोटरसाइकिल और कार दोनों किस में आएंगे? ऑटोमोबाइल में ही तो आएंगे। यहाँ पे कुछ लोग पता है क्या करेंगे, अरे यार मोटरसाइकिल थोड़ी आएगा ऑटोमोबाइल में, जो चार पहिए वाली गाड़ी है वही ऑटोमोबाइल में आएगा। यहाँ पे कुछ लोग दिमाग लगाएंगे अपना, जैसे लगा रहे हैं ना यहाँ पे, कुछ लोग लगा रहे हैं यहाँ पे दिमाग, सही है कि नहीं है? वो बी ऑप्शन टिक कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बी ऑप्शन टिक कर रहे हैं, उनकी जो गाड़ी है वो ऑटोमोबाइल में नहीं है, वो एरोप्लेन है, वो धरती पर चल रही है पर वो एरोप्लेन है ना, ऐसा है ना भाई, सही है नहीं है? ऐसा ही सोचते हो ना आप लोग, क्लियर है कि नहीं है? तो जिसका क्लियर है तो मेरे भाई और अच्छे से क्लियर कर लेना, मोटरसाइकिल कार सारे ऑटोमोबाइल में ही आएंगे ना भाई, सही है कि नहीं? क्या बनेगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ईंट घर और पुल, ईंट घर और पुल क्या बनने वाला है? अब मैं फटाफट से स्पीड बढ़ाने वाला हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि जल्दी से तुरंत प्रभाव से आप लोग कर लीजिए। जल्दी से देखिए 18वें में क्या आएगा, देखिए इधर, ईंटों से घर भी बनेगा, ईंटों से पुल भी बनेगा, पर पूरा घर क्या सिर्फ ईंटों से ही बनेगा, या दुनिया की जितनी भी ईंटें हैं वो सिर्फ और सिर्फ पुल और घर बनाने में यूज होंगी? नहीं। तो क्या होगा? इस तरीके से आएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय कॉफी पेय पदार्थ, पेय पदार्थ में चाय भी है कॉफी भी है, अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट, लड़के छात्र एथलीट क्या बनने वाला है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या बनने वाला है? सारे स्टूडेंट जरूरी है क्या बॉयज हों? नहीं ना, तो कुछ स्टूडेंट बॉयज होंगे, उनमें से कुछ क्या होंगे? एथलीट होंगे। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से, टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र, टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र, टेनिस का प्रशंसक जो है क्या वो क्रिकेट खिलाड़ी नहीं हो सकता? सही है, सही है। विराट कोहली क्रिकेट खिलाड़ी है तो क्या उसको टेनिस पसंद नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या वो स्टूडेंट नहीं हो सकता? हो सकता है भाई, कुछ व्यक्ति जो हैं वो स्टूडेंट्स भी तो हो सकते हैं, ठीक है, जो छात्र हैं वो जो सॉरी टेनिस प्रशंसक हैं वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं और वो क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकते हैं, पर दुनिया के सारे स्टूडेंट टेनिस प्रशंसक या क्रिकेट खिलाड़ी तो नहीं होंगे ना, इसलिए इसका डायग्राम क्या बनेगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, फूल कपड़े सफ़ेद, फूल कपड़े सफ़ेद क्या आएगा? फ्लावर्स क्लोथ वाइट, फ्लावर क्लोथ्स वाइट, जल्दी से बताइए फटाफट से। देखिए इधर, यहाँ पर देखना, इधर फ्लावर, जो फ्लावर हैं वो वाइट हो सकते हैं, कपड़े जो हैं वो भी वाइट हो सकते हैं, पर क्या फूल कपड़ा होगा? क्या क्या फूल कपड़ा होगा? नहीं होगा ना। तो डायग्राम किस तरीके का बनेगा? इस तरीके से, ठीक है, फूल भी सफ़ेद हो सकते हैं, कपड़े भी सफ़ेद हो सकते हैं, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान न करने वाले, भाई दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया वकीलों को, धूम्रपान करने वाले और धूम्रपान नहीं करने वाले, क्या बनेगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट,
अब देखिए इस वाले अगर क्वेश्चन के अंदर डायग्राम किसी ऑप्शन में इस तरीके से दे रखा होता, इस तरीके से टच किया हुआ होता ऐसे, तो भाई वैसे तो फर्स्ट प्रायोरिटी किस पर चली जाएगी, इस पर चली जाएगी, क्योंकि दुनिया के जितने भी लोग हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जैसे धूम्रपान करने वाले और धूम्रपान नहीं करने वाले। अब वकील 50% इधर ले लेते, 50% वकील इधर ले लेते, तो आंसर ये बनता। अगर फर्स्ट ये दे रखा होता तो ये होता, अगर ये नहीं दे रखा तो फिर ये ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, मानव शिक्षक स्नातक, मानव शिक्षक स्नातक। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो सोचते हैं कि टीचर तो सर ग्रेजुएट होगा ही होगा ना, टीचर तो ग्रेजुएट होगा ही होगा ना, तो भैया क्या टीचर क्या जरूरी है क्या, पढ़ाई से संबंधित वाले टीचर की बात कर रहा हूँ, संगीत टीचर भी तो हो सकता है, आर्ट टीचर भी तो हो सकता है, चित्र बनाने वाला टीचर भी तो हो सकता है, बहुत सारे टीचर्स में तो पूरी दुनिया के जितने भी प्रजातियों के टीचर है वो आ गए। अब जरूरी है कि उन सब ने ग्रेजुएट कर रखा हो, सोचा करो हमेशा, ठीक है, ओवरऑल पे सोचा करो, तो ह्यूमन बींग मानव तो टीचर ही बनेगा, सीधी सी बात है, और ग्रेजुएशन भी कौन करेगा, एक मानव ही करेगा, पर दुनिया के सारे टीचर तो ग्रेजुएट नहीं हो सकते ना, ठीक है, तो कुछ टीचर ऐसे होंगे जो ग्रेजुएट होके पढ़ा रहे होंगे, सही है कि नहीं, कौन सा बनेगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया शानदार लाजवाब। अगला क्वेश्चन, नर पिता चिकित्सक, नर पिता और चिकित्सक, मेल फादर्स डॉक्टर्स, ठीक है, मेल्स फादर्स, तो फादर्स जितने भी बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, मेल होंगे, और उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो डॉक्टर भी होंगे, सही कि नहीं है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से बताते जाइए, पिता चाचा और पुरुष, सीधी सी बात है कौन होगा, देखिए जितने भी पिता होंगे वो सारे के सारे कौन होंगे, पुरुष होंगे, जितने भी पिता होंगे वो सारे पुरुष होंगे, और उनमें से कुछ कुछ क्या होंगे, भाई चाचा भी पुरुष होगा और पिता भी क्या होगा, पुरुष तो होगा ही सही, पर कुछ पिता ऐसे होंगे जो चाचा भी होंगे, तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीतकार पुरुष महिला, ये पुरुष ये महिला, और उसमें ये हो जाएगा संगीतकार दोनों हो सकते हैं, मैन भी संगीतकार हो सकता है, वुमेन भी संगीतकार हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन मेरे भाई कॉमन भी हो गया, वेल मछलियां मगरमच्छ, अब आया क्वेश्चन है तो जबरदस्त, वेल मछलियां मगरमच्छ, चलिए जल्दी से बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर। डू फास्ट, क्वेश्चन शानदार तरीके से करने हैं, बिल्कुल एक्टिव होके करने हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा कि ये सेशंस, ये स्पेशल सेशंस के अलावा जो रेगुलर क्लास चल रही है, जो रेगुलर बेसिस पर अगर आपने अटेंड कर ली, तो मैं दावे के साथ ठोक के बोल सकता हूँ इस चीज़ के लिए कि दोस्तों आपका एक नंबर नहीं कटने दूंगा, ये डेफिनेटली श्योर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस आप लोग पूरे फोकस के साथ में क्वेश्चंस को करते जाइए, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना एक्टिव हैं, कितना एक्टिव होकर सोच रहे हैं, जल्दी से करिए क्या होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यार वेल मछली तो है ना, बिल्कुल वेल मछली तो है ना, पर ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये स्तनधारी जीव है, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, मैं आपको सही है नहीं है, जैसे चमगादड़ पक्षी नहीं है, बैट जो है, चमगादड़ जो है वो पक्षी नहीं है, वो स्तनधारी है, मैमल्स में आता है, उसी तरीके से जो वेल है, वेल मछली नहीं है भैया, ये स्तनधारी है, ये मैमल है, ये मैमल है भाई, ये मैमल है, स्तनधारी जीव है, धरती पे पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी जीव ये है, ठीक है, और मगरमच्छ अलग हो गया, मछलियां अलग होगी, वेल अलग हो गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सोच समझ के देख लेना यहां पर अच्छे से, ठीक है, क्लियर करके। एंटी सोशल एलिमेंट, पिक पॉकेट्स और ब्लैकमेलर्स, असामाजिक तत्व, पिक पॉकेट और ब्लैकमेलर, क्या होगा, असामाजिक तत्व में कौन आ जाएंगे, असामाजिक तत्व में ब्लैकमेलर्स भी आ जाएंगे, पिक पॉकेट्स भी आ जाएंगे, सही है ना, असामाजिक तत्व में एंटी सोशल एलिमेंट के अंदर पिक पॉकेट्स भी आ जाएंगे और ब्लैकमेलर्स भी आ जाएंगे भाई, पर सारे जो पॉकेट मारे वो ब्लैकमेलर्स तो नहीं हो सकते ना, पर कुछ ब्लैकमेलर्स ऐसे होंगे जो पॉकेट मार भी होंगे, मेरे भाई मना थोड़ी किया गया है कि भैया पॉकेट मारने वाला ब्लैकमेलर नहीं हो सकता या ब्लैकमेलर पॉकेट नहीं मार सकता, सही है ना, इनमें कुछ तो होगा रिलेशन, ठीक है, और ये सारे असामाजिक तत्वों में आएंगे। चलिए, सेब गोल्डन सेब और फल, एप्पल गोल्डन एप्पल और फ्रूट, क्या बनने वाला है भाई, एप्पल गोल्डन एप्पल और
जितने भी एप्पल हैं वो सारे गोल्डन एप्पल के अंतर्गत आ गए, और ये किस में आ जाएंगे, फ्रूट के अंतर्गत। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज, त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज। देखो इधर बहुत ही सोचने समझ के करके, सोचने और समझने की आवश्यकता है इस क्वेश्चन को करने के लिए, आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे। अब आप कितना सोच सकते हैं, विषमबाहु का मतलब क्या हो गया, जिसकी जिसकी जो भुजाएं हैं तीनों अलग अलग हो, जैसे ये इतनी सी और ये इतनी सी, पर क्या ये समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता? पर ये समकोण भी तो हो सकता है। पर भैया ये एक बात बताओ, ये त्रिभुज ले लिया तुमने, ऐसे ले लिया सपोज करो, ठीक है, इसमें सारी भुजाएं तुमने अलग अलग कर दी, मान लो ये तीन की है, ये पाँच की है, ये चार की, ऐसे, या इसको मान लो ये कर दिया मैंने, इसको कर दिया मैंने छः की, और इसको कर दिया मैंने चार की, ऐसे कर दिया, तो ये भी विषमबाहु है, पर अब ये समकोण नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन कुछ भाई त्रिभुज के अंदर ये दोनों आएंगे, स्केलिन भी आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल भी आएगा, और इनमें कुछ तो ऐसे भी होंगे जो समकोण त्रिभुज हो, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ये बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। बिना स्वर वाले शब्द, एक स्वर वाले शब्द और दो स्वरों वाले शब्द, क्या डायग्राम बनेगा? बिना स्वर वाले शब्द, एक स्वर वाले शब्द और दो स्वर वाले शब्द, डायग्राम बता दीजिए फटाफट से, क्या बनने वाला है मेरे भाई? भाई सीधी सी बात है, जिनमें वोवल नहीं है वो वाले ये हो गए, जिनमें एक वोवल है वो अलग हो गए, जिनमें दो वोवल है वो अलग हो गए, तीनों अलग अलग ही तो होंगे ना, ये मत सोचना एक वोवल वाले दो वोवल में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे भाई? एक वोवल वाला तो एक वोवल वाले वर्ड्स में आएगा ना, दो वोवल वाले तो दो वोवल वाले वर्ड्स में आएंगे, और भैया जिसमें कोई भी वोवल नहीं है तो वो अलग हो जाएगा, डी ऑप्शन बनेगा। ये मत सोच लेना यहाँ पर कि भैया एक वोवल वाला जो है वो दो वोवल वाले के अंतर्गत आ जाए, ऐसा नहीं होगा। चलिए जल्दी से बताइए फटाफट से, चलिए इधर, अधिक से अधिक एक स्वर वाले शब्द, कम से कम दो स्वरों वाले शब्द, अब आएगा मजा, अब बताइए क्या आएगा क्वेश्चन का मजा, तो अब आएगा इस क्वेश्चन में। पीछा वाला तो आपने कर लिया आसानी के साथ, अब यहां पर करके बताइए इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है ये, ठीक है, बिना स्वर वाले शब्द उनको तो हटा ही देंगे, अधिक से अधिक एक स्वर वाले शब्द, कम से कम दो स्वर वाले शब्द, क्या आएंगे? अधिक से अधिक एक स्वर वाला शब्द, कम से कम दो स्वर वाले शब्द, और बिना स्वर वाले शब्द, क्या डायग्राम बनेगा? बिल्कुल सही जवाब, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिना स्वर वाले शब्द को अलग कर दिया, और भैया अधिक से अधिक एक स्वर वाले शब्द को अपन ने दो स्वर वालों में डाल दिया, ठीक है, ये सी ऑप्शन बनेगा। चलिए नेक्स्ट, अगला, अब बताइए एक स्वर से शुरू होने वाले नाम, ई से शुरू होने वाले नाम एक स्वर से शुरू होने वालों में आ गए, नाम ए या पी से शुरू होता है, बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन। बताइए क्या होगा? अब ए या पी से शुरू होने वाले जो शब्द हैं वो एक स्वर से शुरू होने वाले शब्द हो सकते हैं, और ई से शुरू होने वाला जो है, ई से शुरू होने वाला जो है वो ए या पी में तो नहीं आएगा, पर उसके अंतर्गत तो आएगा, स्वर से शुरू होने वाले शब्दों में तो आएगा, तो शानदार क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, शिक्षक कॉलेज छात्र, मैंने सोचा कुछ आपको कुछ डिफरेंट दिया जाए, कुछ डिफरेंट सोचा जाए, डिफरेंट तरीके से किया जाए, तब जाके मजा आए, सही है ना? ये इजी तो आप लोग कर लेते हैं, थोड़ा जोर भी तो चलना चाहिए दिमाग पे, है ना, बर्डन भी तो पड़ना चाहिए, तभी तो मजा है लाइफ का। चलिए जल्दी से नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करिए। टीचर कॉलेज स्टूडेंट, टीचर कॉलेज और स्टूडेंट, कॉलेज में टीचर भी होगा और स्टूडेंट भी होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, मदर होमोसेपियन वुमेन, जितनी भी मदर होंगी वो कौन होंगी? वुमेन्स होंगी, और वुमेन्स क्या होंगी भाई? होमोसेपियंस होंगी कि नहीं होंगी, ये बताइए आंसर क्या बनेगा? बी,
होमो सेपियंस में वुमेन्स आ गई और सारी मदर्स जो हैं वो कौन है, वुमेन्स हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, लोहा सीसा नाइट्रोजन, लोहा लीड नाइट्रोजन, जल्दी से फटाफट से बताएंगे, तीनों अलग अलग है भाई, लोहा सीसा और नाइट्रोजन तीनों अलग अलग है। 38 कैबिनेट गृह मंत्री और मंत्री, 38 कैबिनेट गृह मंत्री और मंत्री, गृह मंत्री भी किसमें आएगा, मंत्रियों में ही तो आएंगे, मिनिस्टर्स में ही तो आएंगे, सही है, होम मिनिस्टर मिनिस्टर में आएगा और वो सारे कैबिनेट में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, तोता पक्षी और चूहा, पक्षी क्या है, तोता क्या है, एक पक्षी और चूहा अलग हो गया, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर शोधकर्ता वैज्ञानिक, बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, चलिए जल्दी से करिए फटाफट से, क्या प्रोफेसर साइंटिस्ट नहीं हो सकता, क्या वो रिसर्चर नहीं हो सकता, तो तीनों में कॉमन कॉमन हो गया, सही है, तीनों में कॉमन हो गया। चलिए नेक्स्ट, अगला, पुरुष रोडेंट और जीवित प्राणी, तो जीवित प्राणी तो दोनों ही है ना भाई, जीवित प्राणी तो दोनों ही बनेंगे, पुरुष भी है और कौन है, मूषक चूहा जो वो भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, माता पिता, माता पिता, पेरेंट्स मदर फादर, तो पेरेंट्स में दोनों आ जाएंगे, पेरेंट्स में कौन आ जाएगा, मदर भी आ जाएगा और फादर भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला 43 अंग्रेजी लैटिन ग्रीक, इंग्लिश लैटिन और ग्रीक, इंग्लिश लैटिन ग्रीक तीनों अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, सोचना ही नहीं है, आगे चलो। नाइट्रोजन बर्फ और वायु, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन बोलूंगा इसको मैं, बताइए क्या होगा, दुनिया की जितनी भी नाइट्रोजन है वो किसमें है, एयर में ही तो है, सही है कि नहीं, वायु में क्या है, नाइट्रोजन है, बर्फ अलग हो गई, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, 45 क्वेश्चन नंबर 45, संगीतकार गायक हो सकता है और वो कुछ महिलाएं भी हो सकती हैं, तो बिल्कुल ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, हानी कॉर्निवोर और टाइगर, बहुत ही बढ़िया और प्यारा और लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने, हाथी कॉर्निवोर और टाइगर, तो कॉर्निवोर और हाथी क्या हो जाएगा, अलग, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अरे शेर ही होता है कॉर्निवोर और क्या होता है। चलिए नेक्स्ट, आगे, मछली हैरिंग पानी में रहें, जैसे कॉर्निवोर शेर की एक प्रजाति है, टाइगर की एक प्रजाति है, और क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उसी तरीके का ये चल रहा है, हाथी अलग हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए फटाफट से, अगला क्या बनने वाला है यहाँ पे, मछली हैरिंग, हैरिंग एक प्रकार की क्या है, मछली है, फिश है भाई, याद रख लेना, नाम है ये, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, नाम है, जैसे शार्क भी आ सकता है इसकी जगह, इसकी जगह हैरिंग भी दे रखा है, तो वो मछली का एक प्रकार है और पानी में रहने वाले ये जानवर हैं, ठीक है। तो कैसा डायग्राम बनेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से फटाफट से बताते जाओ, थम्स अप करते जाओ फटाफट से, सुस्त नहीं होना है, रिलैक्स नहीं होना है, मैं बोल देता हूं आपको, 300 के 300 क्वेश्चन अपने को करने हैं और सारे के सारे सही करने हैं, ताकि कॉन्फिडेंस लेवल इतना बिल्ड हो जाए ना कि भैया 2019 का शोर सिलेक्शन आपको दिख जाए दूर से आता हुआ, कि इस बार 2019 में तो नौकरी लेके ही रहनी है, अपने माँ बाप का और खुद का नाम रोशन करके ही रहना है मेरे भाई। सारी चीजों को दिमाग से निकाल दो, सब कुछ निकाल दो, क्या चल रहा है जीवन में, क्या है क्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, आप क्या कर रहे हो ये चीज मैटर करेगी, आप जीवन में किस सक्सेस तक जाना चाहते हो ये मैटर करेगी मेरे भाई। और आप लोग जानते हो कि स्पीड से टेस्ट लगाना कितना ज्यादा जरूरी है, बिना टेस्ट के आप लोग अपनी स्पीड कभी भी मेजर नहीं कर पाओगे, कभी भी 100% एक्यूरेसी का आपको पता नहीं लगेगा, और मैं आपको वही क्वेश्चन करवाने वाला हूं मेरे भाई, ठीक है। चलिए जल्दी से स्पीड से फटाफट से बताएंगे, हॉस्पिटल नर्स पेशेंट, हॉस्पिटल नर्स और पेशेंट, ये बताइए क्या होगा, हॉस्पिटल नर्स और पेशेंट, ऑब्वियस ही बात है, हॉस्पिटल में नर्स भी होगा और पेशेंट भी होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, चावल सरसों चुकंदर, बहुत ही प्यारा और लाजवाब क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, भैया चावल अलग चीज है, मस्टर्ड अलग है और चुकंदर अलग चीज है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, नाक हाथ और शरीर, शरीर में नाक भी होता है, शरीर में क्या होता है,
हाथ भी होता है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों शरीर के भाग हैं। और दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं कि जबरदस्त नहीं, लाजवाब नहीं, लाजवाब का भी लाजवाब मेरे भाई, NTPC टोटल नंबर ऑफ 96 टेस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं। 11 नवंबर में आप लोग इनको एनरोल कर सकते हैं, 11 नवंबर तक 96 टेस्ट आप लोग दे सकते हो मैथ रीजनिंग के मेरे भाई। और इसके साथ साथ यही नहीं, जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं ना, वो सारे के सारे कोर्सेज में आप लोग एनरोल कर सकते हो। आपको जो रेफरल कोड यूज करना है वो यूज करना है WIFI NTPC ऑन अनअकेडमी प्लस, ठीक है। अनअकेडमी पर आपको जो है 96 टेस्ट की सीरीज वाईफाई स्टडी की तरफ से आपके पास अवेलेबल है। कैसे नहीं होगा सिलेक्शन, मैं तो कह रहा हूँ कैसे सिलेक्शन नहीं होगा। कोई भी क्यूरी हो ना, हमेशा याद रखो, ये नंबर याद रख लो बस, 844-844 तो वैसे ही याद हो गया तुम्हें, 7780 आराम से, और ज़्यादा जानकारी ले सकते हो मेरे भाई। इसके अलावा यही नहीं, टेस्ट सीरीज ही नहीं, पूरा का पूरा एनरोलमेंट किसके अंदर मेरे भाई, कोर्सेज के अंदर भी एक्सेस करने का मौका मिलेगा आपको, ठीक है। इसके लिए भी आप लोग रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं WIFI NTPC, मैथ रीजनिंग के ये सेशंस जो हैं आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए, अंगूठी गहने हीरे की अंगूठी क्या आएगा, अंगूठी गहने हीरे की अंगूठी, जल्दी से फटाफट से बता दीजिए। सुस्त नहीं होना है, रिलैक्स तो बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। डू फास्ट करते जाइए, जल्दी जल्दी से करते जाइए। जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता ना, अभी भी कह रहा हूं बहुत समय है, बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है ना। और भैया टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़्यादा जरूरी, आप लोग जानते हो, बिना टेस्ट के कुछ नहीं होने वाला। जितने ज़्यादा टेस्ट लगाओगे सिलेक्शन के चांसेस और गारंटी जो है चौगुनी मान लेना, दुगनी नहीं चौगुनी मान लेना, आप लोग चार गुना मान लेना, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 96 टेस्ट, मैं कह रहा हूँ कैसे नहीं होगा सिलेक्शन। 51, चलिए बताइए क्या आएगा। अंगूठी गहने हीरे की अंगूठी, एक बात बताओ, हीरे की अंगूठी अंगूठी के अंदर आ जाएगी, हीरे की अंगूठी किसके अंतर्गत आ जाएगी, अंगूठी के अंतर्गत आ जाएगी, सही है। और ये गहनों में नहीं आएंगे क्या, कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्यों टिक कर रहे हो, क्या विदेश से अलग आएगी क्या वो, ये अंगूठी और हीरे की अंगूठी, क्या अंगूठियाँ जितनी भी हैं उसमें नहीं आ गई क्या हीरे की अंगूठी, और वो गहनों में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट आगे, फर्नीचर टेबल्स बुक्स, टेबल्स फर्नीचर है, किताब अलग हो जाएगी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इंडोर गेम शतरंज, टेबल टेनिस, बहुत ही बढ़िया, टेबल टेनिस और शतरंज जो है आप सभी लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि वो एक इंडोर गेम होते हैं, दोनों उसके अंतर्गत आ जाएंगे। नाविक जहाज और महासागर, एक बात होती है, महासागर में जहाज चलता है और जहाज पर कौन बैठता है, नाविक बैठता है मेरे भाई, तो लॉजिक क्या लगेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लाजवाब, शानदार, मस्त। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, गाजर भोजन सब्जी, सब्जी भोजन में आ जाएगी और गाजर सब्जी में आ जाएगा, क्या दिक्कत है, उसकी भी सब्जी बनती है और वो भोजन में प्रयोग की जाती है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। टाई शर्ट पेंटालून पतलून, ये बोल सकते हैं टाई शर्ट और पतलून, चलिए लगाइए जल्दी से, टाई शर्ट और पतलून, भाई तीनों अलग अलग है ना, अरे तीनों अलग अलग है, ये मत कर देना कि पतलून को शर्ट कर दो, शर्ट को टाई कर दो, तीनों अलग अलग है ना भाई, पहनने की चीजें हैं पर तीनों अलग अलग हैं, आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, शर्ट कॉलर पॉकेट बताइए, बहुत ही अब आएगा मजा, शर्ट कॉलर और पॉकेट क्या बनेगा, 57 में शर्ट कॉलर पॉकेट, अरे भाई शर्ट में कॉलर भी होगी पॉकेट भी होंगे, सही है कि नहीं है, नहीं होंगे क्या, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पंखुड़ी गुलदस्ता फूल, पंखुड़ी किस में होगी, फूलों में होगी और फूलों से क्या बनेगा, गुलदस्ता बनेगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है, जल्दी से करते जाइए। कुत्ते पालतू जानवर बिल्लियाँ क्या दुनिया के सारे कुत्ते आपने पाल रखे हैं क्या, नहीं, काट जाएंगे सारे पाल लोगे तो, ठीक है। और कुछ वो बिल्लियाँ जो होंगी वो भी पालतू होंगी, पर जो रोडों पर घूम रहे हैं वो थोड़ी पाल रखे हैं अपन ने, तो पालतू जानवरों में दोनों आएंगे, कुछ बिल्लियां पालतू जानवर होंगी, कुछ कुत्ते पालतू जानवर होंगे, सही है कि नहीं, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से फटाफट से रैपिड फायर क्वेश्चन चालू हो गया। बैगन मांस सब्जियां, बैगन क्या है, ब्रिंजल क्या है, वेजिटेबल है, ठीक है ना, और मांस जो है वो अलग हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, सम चतुर्भुज चतुर्भुज बहुभुज, मजा आएगा, अब बहुभुज के अंदर सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल आ गए, चतुर्भुज आ गए,
और सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ये जितने भी हैं वो सब चतुर्भुज के अंतर्गत आ जाएंगे। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, भाषाएं फ्रेंच जर्मन, जर्मन भी भाषा है फ्रेंच भी भाषा है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, सूर्य सन प्लैनेट और अर्थ, सन प्लैनेट और अर्थ, ठीक है, अर्थ क्या है एक प्लैनेट है, अर्थ क्या एक प्लैनेट है, सन अलग हो गया, सन को प्लैनेट मत कर देना भाई, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, कक्षा ब्लैक बोर्ड स्कूल, स्कूल के अंदर कक्षा होती है और कक्षा में क्या होता है ब्लैक बोर्ड होता है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, प्रोटोन इलेक्ट्रॉन परमाणु, प्रोटोन इलेक्ट्रॉन परमाणु, परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होता है और प्रोटोन भी होता है, पर प्रोटोन इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता ना, पर वो परमाणु में होते हैं, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया, जल्दी से जबरदस्त आप लोगों की स्पीड देख के मजा आ गया। पेपर स्टेशनरी और इंक, पेपर स्टेशनरी और इंक, भाई इंक कलम ये सारे के सारे किस में आते हैं, पेपर पेन रबड़ वबड़ सब स्टेशनरी के अंतर्गत आते हैं, सही है नहीं है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, कुत्ता पशु एनिमल है, पर क्या सारे एनिमल पेट एनिमल हैं, बताइए क्या सारे एनिमल पेट एनिमल हैं, क्या डॉग एनिमल है, क्या डॉग पेट है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब देते हैं, यही देखने वाली बात होगी, अब देखते हैं आप लोगों को कितना सोच पाते हो, कितना दिमाग लगा पाते हो, ठीक है, आराम से रियल लाइफ से रिलेट करके देखो समझो क्या है। ऑप्शंस देख लो पहले आराम से और उसके बाद रिप्लाई करना। ए ऑप्शन दिख गया मुझे, सी ऑप्शन दिख गया, डी ऑप्शन मुझे दिख गया, ठीक है, बिना सोचे समझे ये जो बिना जय माता दी बोले हुए तुक्के लगा रहे हैं ना मेरे भाई, उनसे अनुरोध है कि क्वेश्चन को समझो सोचो और उसके बाद रिप्लाई करो। सी ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन आ गया, अलग अलग आंसर मेरे भाई, सोचना। एनिमल के अंदर पेट एनिमल्स आएंगे, जितने भी पेट होंगे वो क्या होंगे, एनिमल होंगे, सीधी सी बात है, उड़ने वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, तैरने वाले भी हो सकते हैं, जमीन पर रहने वाले भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं भाई, एनिमल तो कैसे भी हो सकते हैं, पेट एनिमल्स में आ गए। अब कुत्ते की बात करते हैं, कुत्ता एनिमल तो है ही सही, पर दुनिया के सारे कुत्ते थोड़ी ना पालतू हैं, कुछ कुत्ते पालतू होंगे, तो सी ऑप्शन बनेगा ना, क्यों नहीं सोच पाते हो यार आप लोग, कहाँ दिक्कत आ रही है, आराम से। मैं मानता हूं कि 95% लोगों का आंसर सही आ रहा था, पर फिर भी अभी भी 5% लोग मुझे ऐसे दिखते हैं ना जिसका आंसर सही नहीं आ रहा। मेरे भाई उन्हीं लोगों से मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग पीछे रह जाओ और आप लोग फिर ये बोलें कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं नहीं चाहता कि आप कोई कारण बने और फिर बाद में एक्सक्यूज दें यार मैं पढ़ नहीं पाया था। आपसे लास्ट में अंत में कोई नहीं पूछेगा कि आपने क्या किया था, आपके साथ क्या परेशानी आई थी, आपने साल भर कितनी मेहनत करी थी, पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, आपसे लास्ट में सिर्फ एक चीज़ पूछी जाएगी कि आपका सिलेक्शन हुआ या आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे भाई अभी सोच लेना आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, दिमाग लगा के एक बार सोच लेना कि एक एक क्वेश्चन कितना कीमती है, कब कौन सी चीज़ उठ के आ जाएगी एग्जाम में, ये आप सभी लोग अच्छे से भली भांति प्रकार से जानते हैं। शेयर कर देंगे एक बार सेशन को और दिल से लाइक कर देंगे मेरे भाई, दिल से लाइक कर देंगे। चलिए देखिए, विज्ञान भौतिकी रसायन विज्ञान, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री, साइंस फिजिक्स और केमिस्ट्री, जल्दी से बताइए, सीधी सी बात है, साइंस के अंदर फिजिक्स भी आएगी केमिस्ट्री भी आएगी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एटमोसफेयर, एटमोसफेयर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एटमोसफेयर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एटमोसफेयर में क्या है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, गेहूँ अनाज और मक्का, तो गेहूँ क्या है, अनाज है, मक्का भी क्या है, अनाज, ठीक है, कौन सा डायग्राम बनेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, कुत्ता मांसभक्षी और बाघ, तो मांसभक्षी दोनों ही है, कुत्ता भी है और बाघ भी है, पर कुत्ता बाघ तो नहीं है ना, टाइगर तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट, नदी नहर पानी के बारहमासी स्रोत, नदी नहर पानी के बारहमासी स्रोत, भाई नदी तो पानी के बारहमासी स्रोत होते हैं, सही है, पर नहर का थोड़ी ना कंफर्म कह सकते हैं अपन कि वो बारहमासी स्रोत होगा कि नहीं होगा। नदी नहर और पानी के बारहमासी स्रोत, बताइए क्या डायग्राम होना चाहिए आपके हिसाब से, 72 बताइए,
पानी के बारहमासी स्रोत जरूरी क्या नहर देगी? नहर नदी तो नहीं होती, ये तो आपको समझ में आ गया कि दोनों अलग अलग हैं, सही है कि नहीं? पर नदियां तो हमेशा बारहमासी स्रोत में आती हैं, क्लियर है? आगे, स्टूडेंट ऑफ लॉ, स्टूडेंट ऑफ साइंस, मैन जो है वो स्टूडेंट्स लॉ के छात्र भी हो सकते हैं और विज्ञान के छात्र भी हो सकते हैं, पर क्या दुनिया के सारे लॉ के छात्र पुरुष ही हैं? क्या दुनिया के सारे विज्ञान के छात्र पुरुष ही हैं? नहीं, तो कुछ वाले होंगे जो कट करेंगे। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वर्टिब्रेट्स, नॉन वर्टिब्रेट्स, लिविंग बींग्स, बहुत बढ़िया। कशेरुक, गैर कशेरुक और जीवित प्राणी, कशेरुक, गैर कशेरुक और है आपका जीवित प्राणी। तो मेरे भाई जीवित प्राणी में कशेरुक और नॉन कशेरुक दोनों आ जाएंगे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, मशीन, लेथ, लेथ भी क्या एक तरीके की मशीन ही है, और मैथमेटिक्स तो क्या हो गई, एक अलग हो गई मेरे भाई, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सिटीजन एजुकेटेड और मैन, सिटीजन एजुकेटेड और मैन, जल्दी से करेंगे। सिटीजन एजुकेटेड और मैन क्या होगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ईमानदारी, बुद्धिमता, योग्यता, हॉनेस्टी, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, बताइए क्या बनेगा, आंसर क्या बनेगा इसका? तीनों अलग अलग चीजें, ऑनेस्टी दिखाना अलग है, इंटेलिजेंस बताना अलग है, और एप्टीट्यूड योग्यता होना अलग चीज है मेरे भाई। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, सूर्य, चंद्रमा, सितारे, सूर्य क्या है? एक सितारा ही है, चंद्रमा अलग हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, याद रख लेना, सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। एनिमल, मैन, प्लैनेट, इस क्वेश्चन को बोल रहे हैं कुछ लोग क्या दिक्कत हो गई इसमें, सूर्य तारा है ना भाई, नहीं पता क्या आपको? सूर्य एक तारा ही तो है, स्टार ही तो है भाई। चलिए नेक्स्ट, पशु, पुरुष और पौधे, पुरुष, पशु, पशु, पुरुष और पौधे, ये दे रखा है आपको। एक बात बताइए, मैन क्या है? मैन क्या है? सोशल एनिमल नहीं बोलते, सामाजिक प्राणी नहीं बोलते हो आप? मैन को क्या बोलते हो आप? सोशल एनिमल नहीं बोलते उसको? थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना है एक बार, फिर उसके बाद जवाब देना, ऐसे नहीं। मनुष्य क्या है? बताइए, सोचो सोचो आराम से, आप जब सेटिस्फाई हो जाओ ना आपको लगे। बताइए भैया, मैन एनिमल के अंतर्गत आता है? अक्कल ही नहीं है ना यार, मैन क्या, आप सोचते नहीं हो ना आप लोग यार, कहने में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, आप लोग सोचेंगे कि यार हम क्या कुत्ते जैसे दिखते हैं, कि हमारे क्या पूछ होती है क्या, या ये या वो है, पर मेरे भाई सोशल एनिमल, मैन क्या है? सोशल एनिमल है, याद रख लेना एक चीज़, हमेशा याद रखो भाई, ऐसे क्वेश्चन ही तो वहाँ पर कन्फ्यूज़ करते हैं एग्ज़ाम के अंदर, फिर हम लोग सोचने लग जाते हैं। प्लांट तो नहीं है पर अपन सोशल एनिमल है मेरे भाई, क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रही है ये चीज? आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा, ना कि सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, आगे, मरकरी, मार्स, प्लेनेट, जल्दी से बताइए, ग्रह के अंदर बुध भी आएगा, मंगल भी आएगा, क्या आएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, याक, जेब्रा और डियर, तीनों अलग अलग हैं, सोचने की जरूरत ही नहीं है। जल, वायुमंडल, हाइड्रोजन, जल, वायुमंडल, हाइड्रोजन, ठीक है,
हाइड्रोजन वायुमंडल में भी है और वायुमंडल के बाहर भी है, स्पेस में भी है। जल का भी सेम यही चीज़ है, सही है। कुछ हाइड्रोजन जो है वाटर में नहीं है क्या? है, वायुमंडल में भी और वायुमंडल के बाहर भी है। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, सोचने वाली बात है। क्या बनेगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? क्लियर है कि नहीं है? क्या डायग्राम बनेगा यहाँ पे सोच के देखो ना, जल वायुमंडल भी है और बाहर भी तो चंद्रमा पे भी खोज हुई है, मंगल पे भी हो सकता है, ठीक है ना? हमें कन्फर्म थोड़ी, हम 100% श्योर नहीं है। हाइड्रोजन वायुमंडल में है, जल में भी है और बाहर भी है, सही है ना? तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, कौन सा? क्रॉस करता हुआ। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। रोग कुष्ठ और स्कर्वी। रोग के अंदर कुष्ठ भी आ जाएगा, स्कर्वी भी आ जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, डॉक्टर, वकील और पेशेवर प्रोफेशनल्स में कौन आ जाएगा? डॉक्टर भी आ जाएगा, लॉयर भी आ जाएगा, पर दो अलग अलग प्रोफेशन है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे। पल्म टमाटर फल। अब बताओ भाई, पल्म टमाटर फल चेरी टाइप की होती है, पल्म चेरी है ना, बताओ भाई क्या आएगा? भैया अब यहीं पे तो सोचने वाली बात है कि आप लोग कितना सोच के जवाब देते हो। मैं आप कंटिन्यू आपके आंसर्स देख रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग जो आंसर दे रहे हैं ना, उनका मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है? याद रख लेना मेरे भाई, याद रख लेना, परमानेंटली याद रख लेना, ठीक है? टमेटो जो है वो फ्रूट में आता है, वो वेजिटेबल भी और वो फ्रूट भी है, फ्रूट की कैटेगरी में रखा हुआ है टमेटो को। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं डी आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने टमेटो को फ्रूट की कैटेगरी में नहीं रखा है। यहाँ वो क्वेश्चन है, ये वो अगला क्वेश्चन है जहाँ पर आपको सोचने और नोट करके रखने की जरूरत है। टमाटर जो है वो फ्रूट कैटेगरी में रखा गया है, याद रख लेना, उसको वेजिटेबल में भी काउंट करते हैं, याद रख लेना। तो आंसर क्या बनेगा मेरे भाई? पल्म एंड टमेटो जो है वो फ्रूट है। चलिए, इंजीनियर डॉक्टर लोग इंजीनियर भी बनेंगे, लोग डॉक्टर भी बनेंगे, सीधी सी बात है, क्या दिक्कत है पीपल। चलिए नेक्स्ट आगे, सी आइसलैंड माउंटेन। देखो कॉन्सेप्ट्स भी आपके यहाँ पे क्लियर होते जा रहे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आइसलैंड तो कहाँ पर होगा? सागर पर ही होगा, सही है ना? क्लियर है? अब देखो, वैसे तो डायग्राम अलग होना चाहिए, ठीक है ना? वैसे तो एक डायग्राम क्या होना चाहिए देखिए, पर हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको टिक करेंगे, पर्वत अलग कर देंगे। आइसलैंड किसके अंतर्गत होगा? सागर के अंतर्गत होगा, और माउंटेन अलग कर दिए। चलिए नेक्स्ट, इलेक्टेड हाउस MPML है, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन, इलेक्टेड हाउस में कौन होगा? MP भी होगा, MLA भी होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। संगीतकार, वाद्य वादक, वायलिन वादक, बहुत ही बढ़िया। म्यूजिशियन में इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और वायलिनिस्ट दोनों आ जाएंगे भाई एक दूसरे के अंतर्गत, क्या होगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ग्राम, बीन्स, फलियां, क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 90। ग्राम, बीन्स और लेग्यूम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पर्वत, वन और पृथ्वी, अर्थ पर फॉरेस्ट हैं और माउंटेन, क्या डायग्राम बनेगा भाई? सीधी सी बात है, अर्थ पर माउंटेन है, पर क्या सारे माउंटेन फॉरेस्ट में? कुछ माउंटेन इतने बड़े हैं जिनमें फॉरेस्ट है, कुछ तो फॉरेस्ट इतने बड़े हैं जिनके अंदर माउंटेन है, पर्वत हैं, और कुछ पर्वत इतने बड़े हैं जिन पर जंगल भी हैं।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो डायग्राम कौन सा बनेगा सोच समझ के करिएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत सारे लोग बी ऑप्शन यहाँ पे टिक कर रहे हैं, तो वो सोचें और समझें। कुछ जंगल इतने बड़े होंगे जिनमें माउंटेन्स होंगे और कुछ माउंटेन्स इतने बड़े होंगे जिनमें जंगल होंगे, तो थोड़ा सा पार्ट हमने कवर कर लिया और दोनों अर्थ में कर दिए। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी, ये तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आपको इसके लिए, तो ये तो आप सब्जेक्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी दोनों आ जाएगी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, फैक्ट्री मशीनरी और उत्पाद, फैक्ट्री मशीनरी और उत्पाद बताइए, फैक्ट्री मशीनरी और उत्पाद, प्रोडक्ट कहाँ से निकलता है, प्रोडक्ट कहाँ पे बनेगा, फैक्ट्री में बनेगा, मशीनरी भी कहाँ पे होगी, फैक्ट्रीज में ही तो लगी हुई होंगी भाई, सीधी सी बात है, सही है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं है। पर यहाँ पे देखना, मशीनरी फैक्ट्री में होगी, प्रोडक्ट भी कहाँ से निकलेगा, फैक्ट्री से निकलेगा, सीधी सी बात है, पर इनमें आपस में तो रिलेशन नहीं है ना, तो कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे, ट्रक शिप गुड्स, ट्रक शिप और गुड्स, ठीक है, ट्रक के द्वारा गुड्स को ले जाया जाता है, पर जरूरी है कि सारा माल ट्रक से ही जाए या सारा माल जहाज से ही जाए, पर थोड़ा बहुत तो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, खिड़की कमरे और दीवार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने, खिड़की कमरे और दीवार, दीवार में खिड़की भी होगी, सॉरी कमरे में दीवार भी होगी और खिड़की भी होगी, सीधी सी बात है, सही है कि नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए, कमरे में खिड़की भी होगी दीवार भी होगी, सीधी सी बात है ना भाई, क्या सोचना है इसमें। चलिए आगे, राज्य देश और शहर, कंट्री स्टेट सिटी, नेक्स्ट, कॉपर पेपर वायर, कॉपर पेपर और वायर, कॉपर के तार हो सकते हैं पर सारे तार कॉपर के होंगे ऐसा तो नहीं है, और कागज अलग हो गया, कौन सा बनेगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही प्यारा, लाजवाब, शानदार, अगला करते जाइए, टीचर ग्रेजुएट प्लेयर, जल्दी जल्दी से करते जाइए, टीचर ग्रेजुएट प्लेयर, आपके लिए 100 क्वेश्चन पे धमाका होने वाला है, 98 क्वेश्चन हो चुके हैं, जल्दी से फटाफट से करिए, 300 क्वेश्चन करने अभी तो 200 क्वेश्चन बाकी है मेरे भाई, फटाफट से जल्दी से क्या आएगा आंसर। शिक्षक ग्रेजुएट हो, अभी अभी समझाया था, जरूरी है क्या, ठीक है, आर्टिस्ट भी तो टीचर हो सकता है, एक म्यूजिशियन भी एक टीचर हो सकता है, तो जरूरी है क्या उसने ग्रेजुएशन कर रखी हो। रोनू मोहनदाल अभी बहुत वायरल हुआ था ना भाई, सिंगर है बहुत ही बढ़िया है ना, कोलकाता से निकली है, जिसने गाना गाया हिमेश रेशमिया के साथ, तेरी मेरी कहानी है ना, रोनू मोहनदाल, जरूरी है क्या उसने ग्रेजुएशन किया, नहीं किया, आपके सामने एग्जांपल है, वो टीचर बन सकती है, क्या दिक्कत है, सही है कि नहीं, मना थोड़ी करेगी, ये गाना मत सिखाऊंगी, आएगा आगे देखो प्लेयर, तो वो भैया टीचर प्लेयर भी हो सकता है, टीचर ग्रेजुएट भी हो सकता है, आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, आर्मी जनरल कर्नल, क्या आएगा, कर्नल, आर्मी जनरल कर्नल, बहुत ही प्यारा और लाजवाब क्वेश्चन, आर्मी के अंदर दोनों होंगे, जनरल भी होगा कर्नल भी होगा, सीधी सी बात है, पर दोनों पोस्ट अलग अलग हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला, लड़का स्टूडेंट प्लेयर, लड़का स्टूडेंट भी हो सकता है और वो प्लेयर भी हो सकता है, कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आया होगा, ये 100 क्वेश्चन कर लिए आप लोगों ने, 100 क्वेश्चन कर लिए, अभी 200 क्वेश्चन और करने हैं, बिल्कुल जल्दी से फटाफट से आ जाएंगे और एक बार जबरदस्त सेशन को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे मेरे भाई, जल्दी से सभी लोग, जितने भी बच्चे 5000 बच्चे लाइव हैं, सभी के सभी लाइक कर देंगे सेशन को और शेयर कर देंगे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता दो फटाफट से, 100 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए, कैसा लगा आपको, अब सोचो आप पूरे दिन भर में आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो, 1000 क्वेश्चन भी कम है अगर आप पूरे दिन भर में कर लो तो मेरे भाई स्पीड से, पर जल्दी से करके बताइए, अभी आपको 200 क्वेश्चन और करने हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एसएससी सीजीएल से रिलेटेड अपना जो कोर्स है 15 तारीख को आने वाला है, सारी फैकल्टी धमाकेदार धुआंधार बेटिंग करने के लिए तैयार है। इस बार सीजीएल अपना जो टारगेट होगा, साहिल सर बिल्कुल आपके साथ में मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, भुवनेश सर आपको जीके और करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं, जिसकी 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपका एक नंबर भी मैं कटने नहीं दूंगा, ये डेफिनेटली श्योर है, और हर सर आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले मेरे भाई, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको एसएससी सीजीएल कंप्लीट कोर्स, यानी अगर इसमें सिलेक्शन लेना है मेरे भाई,
तो आपको जो इसके लिए रेफरल कोड यूज करना है अनअकैडमी प्लस पर WIFISSC ये आपको यूज करना है, जिससे आपको 10% का इंस्टेंट जो है मौका मिलेगा दोस्तों, इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा आपको। 15 तारीख से ये बेच चालू हो रहा है, बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें, ये चीज़ याद रख लेना, बहुत सही बात कही गई है, बेहतर की तलाश में बेहतरीन को मत जाने देना। जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ना उसको करते रहो, ठीक है, कंटिन्यूटी में भरोसा रखिए और उस चीज़ को कंटिन्यूटी में करते रहिए। भरोसा जहां डगमगाया वहीं पिक्चर समाप्त हो जाती है, वहीं खेल समाप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, पेंटर स्कॉलर टेबल, जल्दी से बताइए क्या आएगा। पेंटर स्कॉलर टेबल, पेंटर जरूरी है क्या? पेंटर जो है वो स्कॉलर नहीं हो सकता, पर टेबल तो अलग चीज होगी, वो टेबल तो नहीं होगी। कुछ पेंटर ऐसे हो जो स्कॉलर हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सही है ना, तो डी ऑप्शन दे रखा है आपको, आराम से सोच समझ के करिएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, मैन टाइपिस्ट पियोन, मैन टाइपिस्ट और पियोन, जल्दी से बता दीजिए, मैन टाइपिस्ट और पियोन, क्या मैन टाइपिस्ट नहीं हो सकता, वो पियोन नहीं हो सकता, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हैंड कैट डॉग, हैंड कैट एंड डॉग क्या आएगा? मुर्गी बिल्ली कुत्ता, हैंड कैट और डॉग, तीनों अलग अलग हैं, सोचने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ईयर माउथ बॉडी, ठीक है, कान कहाँ पे होता है, कान कहाँ पे होता है भाई? मुंह में कान होता है सोच समझ के कर लेना, माउथ ये होता है अपना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं? तो कान मुंह में नहीं होता, शरीर में दोनों होते हैं, ठीक है ना, ये मत कर देना। यहाँ पर कुछ लोग दिमाग लगा रहे हैं, अरे यार कान, कान इधर है यार, शरीर का भाग है, मुँह इधर है, माउथ इधर है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दोनों एक दूसरे के अंतर्गत बनेंगे, ये लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, वार्ड बेड और नर्स क्या आएगा? वार्ड बेड और नर्स, ठीक है, वार्ड में बेड होंगे और नर्स अलग हो गई, सीधी सी बात है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नर्स आगे, एनिमल टाइगर कॉर्निवोरस, ठीक है, एनिमल्स में कॉर्निवोरस आ गया, मांसाहारी आ गए और बाघ, सही है भाई, सारे एक दूसरे के अंतर्गत बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, वायुमंडल, वायु, ऑक्सीजन, वायुमंडल में वायु है वो तो हम लोग जानते ही हैं, और उसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन है वायु में। चलिए नेक्स्ट आगे, बॉय स्टूडेंट गर्ल, स्टूडेंट बॉय भी हो सकती है, स्टूडेंट गर्ल भी हो सकती है, सीधी सी बात है, स्टूडेंट क्या हो सकते हैं? बॉय भी हो सकते हैं, स्टूडेंट गर्ल्स भी हो सकते हैं, क्लियर है कि नहीं है? चलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, मेन गार्डन वर्कर, मेन गार्डन वर्कर 109, मेन गार्डन और वर्कर, मेन वर्कर हो सकता है, गार्डन अलग चीज हो गई ना, सही है नहीं? बहुत ही प्यारा, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, जल्दी से मैं बताऊं ना, हमारी दिक्कत पता है क्या होती है, ठीक है, आपको पता है वास्तव में सिलेक्शन किस बच्चे का होता है? सीरियसली बताऊं मैं आपको, जो डेडिकेशन के साथ लगे रहता है, जिसको पता है, जिसके दिमाग में पिक्चर क्लियर है कि मुझे वास्तव में सिलेक्शन लेना है, और उनकी कैपेसिटी भी अच्छी होती है पढ़ने की, पर कुछ लोग होते हैं ना, वो स्टार्ट तो करते हैं पर वो बीच में छोड़ देते हैं, जो छोड़ने वाला है ना वो कभी भी सक्सेस नहीं पाता, याद रख लेना, जो कंटिन्यूटी में बना रहता है ना वो सक्सेस पाता है। बहुत सारे लोग देखिए चले गए, 5,500-6,000 बच्चे लाइव थे, 1,500 चले गए, वो कंपटीशन से वैसे ही बाहर है मेरे भाई, ये चीज़ याद रखना आप, ये परमानेंटली डेफिनेटली आप लोग याद रखिएगा कि वो उन्होंने स्टार्ट किया लेकिन उन्होंने बीच में छोड़ दिया, भैया अंत तक जो बना रहेगा ना वो कुछ ना कुछ बेहतर से बेहतर, बहुत बेहतरीन लेकर जाने वाला है, ये डेफिनेटली श्योर है, ये मेरा वादा है आपसे, सही है? तो जल्दी से फटाफट से स्पीड रखिए, बस आप लोगों को स्पीड रखनी है, स्पीड, स्पीड मैटर करती है। कुत्ता, कैट, एनिमल, सही है, स्पीड से करते हैं क्वेश्चंस को, ये लीजिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, 111 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एनिमल्स में मैमल्स आ गए सारे और काऊ भी, क्या है, मैमल है और एनिमल तो है ही। कलर व्यापारी कपड़ा, कलर व्यापारी और कपड़ा, रंग एक अलग चीज है, क्लोथ एक अलग चीज है, मर्चेंट कपड़ा या व्यापारी जो है वो अलग चीज, तीनों अलग अलग चीज़ है ना, कोई रिलेशन ही नहीं है, या यूं मत कहते ना
कपड़े का रंग, अरे ऐसा कुछ होता है क्या? रंग कलर एक अलग चीज है, क्लोथ एक अलग चीज है, मर्चेंट एक अलग चीज है। सोच समझ के रिप्लाई करिएगा, दिमाग को अलर्ट रखिए एकदम। कलर रेड और नीला, अब आप बोल सकते हो नीला और जो लाल है वो सारे कलर के अंतर्गत आ जाएंगे, कलर है। सही है नहीं है? क्लियर है नहीं है? बताइए। चलिए नेक्स्ट आगे, घोड़ा नर और घोड़ी। चलिए बताइए क्या आएगा, घोड़ा घोड़ी नर, मेर हॉर्स, तो मेल मेल भी होगा ना, सीधी सी बात है, नर होगा और घोड़ी अलग होगी भाई, वो ना तो मेल होगी मेर, यानी देखो जेंडर जेंडर आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे, घोड़ा घोड़ी नर। आगे धातु सोडियम तांबा, धातु सोडियम और तांबा, तो भैया धातु में दोनों आ जाएंगे, सोडियम भी आ जाएगा तांबा भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मैमल्स वुमेन नर्स, मैमल वुमेन और नर्स, ऑप्शन देखो आप यहाँ पे जो दे रखे हैं ऑप्शंस के अंदर, देखिएगा एक बात बताइए, नर्स होगी क्या वो वुमेन नहीं होगी? बताइए। वैसे तो देखो मेल नर्स भी होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, वास्तव में तो ऑप्शन ये होना चाहिए कि महिला जो एक स्तनपाई है, नर्स जो है वो भी एक स्तनपाई है, सही है ना? मैमल तो है ही सरी, पर दुनिया की सारी नर्सें महिला ही हैं क्या? ऐसा डायग्राम होना चाहिए, ऐसा नहीं दे रखा है। अब ऐसा नहीं दे रखा है, देखिए आप इधर, सही है कि नहीं? तो इसने क्या किया है भाई, ये तो टिक कर नहीं सकते, ये टिक कर नहीं सकते, ये टिक कर नहीं सकते, ये फिर भी टिक कर सकते हैं कि उसने नर्स को फीमेल नर्स माना है और सारी नर्स को महिलाओं के अंतर्गत लिया है, सही है कि नहीं है? जितनी भी नर्स होंगी वो उनको क्या ले लिया, महिलाओं के अंतर्गत ले लिया और वो सारी मैमल्स के अंदर इंक्लूडेड कर दी। तो ऑप्शन वाइज हम लोग ए ऑप्शन टिक करेंगे, वरना प्रायोरिटी तो इस पर जानी चाहिए। अगर मेल नर्स की भी बात करेगा तब फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी होगी अगर ऐसा दे रखा होगा, और सेकंड प्रायोरिटी इसकी होगी, पर ऑप्शन के अंदर ये ही दे रखा है तो इसीलिए अपन लोग इसी को टिक करेंगे, ठीक है ना? ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं आंसर। चलिए, अनाज चावल और गेहूँ, अनाज चावल और गेहूँ, ठीक है, चावल और गेहूं दोनों के अनाज है, बहुत ही बढ़िया शानदार लाजवाब। जल्दी से एक बार शेयर कर देंगे सेशन को और फटाफट से आ जाएंगे, जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए, नेफ्यू, नेफ्यू कौन होगा भाई? मेल। भतीजा तो क्या होगा, नेफ्यू जो है, भतीजा जो है वो कौन होगा, मेल ही होगा ना, ठीक है। और एक बात बताइए, चचेरे भाई जो है वो भी मेल होंगे, पर क्या वो नेफ्यू नहीं हो सकते? तो इस तरीके का डायग्राम होना चाहिए था, क्या जितने भी चचेरे भाई हैं, देखिए इधर सोचने और समझने की बात है, यहां पर नेफ्यू का मतलब क्या हुआ, मेल हो गया, नेफ्यूज, नेफ्यू, ठीक है। नीस होता तो लड़की होती, नेफ्यू यानी कि मेल जेंडर से रिप्रेजेंट करने वाला है, ठीक है। कजन्स में दोनों आ गए, पर कजन्स में यहाँ पर देखो, कजन अब यहाँ पे मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो यहाँ पे चचेरे कर दो, सिर्फ इस भाई को हटा दो, इस भाई को हटा दें, सिर्फ कजन लिखा हुआ है तो सिर्फ चचेरे कर देते। अब चचेरे कजन में दोनों हो गए, मेल भी हो गई फीमेल भी हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन टिक करना है तो देखिए, मेल्स के अंदर नेफ्यू तो आ ही गए, और कुछ नेफ्यू ऐसे होंगे जो कजन होंगे, पर कजन में तो मेल और फीमेल दोनों आता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। आराम से सोच समझ के करना, कजन्स लिखा हुआ है, कजन जेंडर क्लियर नहीं है, लड़की भी कजन हो सकती है, लड़का भी कजन हो सकता है, सही है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ से मैंने भाई को हटा दिया है, अब हो गया, अब सही है, कजन मतलब चचेरे, ममेरे, फूफेरे, मौसेरे सब आ गए इसके अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, नेफ्यू वो सारे मेल होंगे, कजन्स ठीक है वो जो है वो कुछ मेल भी हो सकते हैं और वो कुछ नेफ्यू भी हो सकते हैं, तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अस्पताल वार्ड बिस्तर, अस्पताल वार्ड और बिस्तर, जल्दी से बताइए क्या आएगा, अस्पताल में वार्ड होगा, बिस्तर होंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लड़की एथलीट सिंगर, लड़की एथलीट भी हो सकती है, सिंगर भी हो सकती है और कुछ सिंगर एथलीट भी हो सकते हैं, ठीक है ना? चलिए ये हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तांबा लोहा जस्ता, बहुत ही प्यारा लाजवाब शानदार एक मक्खन वाला क्वेश्चन, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, सी ऑप्शन। पुस्तक पृष्ठ अनुच्छेद, जल्दी से बताइए पुस्तक के अंदर क्या होगा, पेज होंगे और पेज के अंदर क्या लिखे हुए होंगे, पैराग्राफ लिखे हुए होंगे, ठीक है, सारे एक दूसरे के अंतर्गत, ए आंसर। स्टार मून और मार्स, ठीक है, स्टार मून और मार्स तीनों अलग अलग चीज़ें, तारा अलग है, चंद्रमा उपग्रह है, ठीक है, सैटेलाइट है आप लोग जानते हो, और वो प्लैनेट है। चलिए, प्रोफेसर विद्वान राजनीतिज्ञ, प्रोफेसर विद्वान और राजनीतिज्ञ, क्यों प्रोफेसर स्कॉलर नहीं हो सकता, विद्वान नहीं हो सकता, क्या वो पॉलिटिशियन नहीं हो सकता, हो सकता है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, नौकरानी औरत और डॉक्टर, अब मेड जो है वो तो वुमेन तो होगी ना,
सही है नहीं है, नौकरानी जो है वो वुमेन तो होगी होगी, क्लियर है कि नहीं है? पर क्या दुनिया की सारी पहले तो देखो, कुछ औरतें जो होंगी वो डॉक्टर होंगी। अब मेड की बात आ रही है, मेड कौन होगी? जेंडर दे रखा है यहां पे मेड का, नौकरानी। बताओ भाई सोचिए, यही तो सोचने वाली बात है। डायग्राम ही नहीं है ना इसके अंदर, ऐसा डायग्राम होना चाहिए इस तरीके का, ठीक है? इस तरीके का डायग्राम होना चाहिए भाई, सही है? अब नहीं है, मान लो सपोज करो, तो आप क्या करेंगे? मेड, फीमेल मेड भी हो सकता है, मेल मेड भी हो सकता है। मेड मतलब क्या होता है? जो घर का देखभाल करने वाला होता है या देखभाल करने वाली होती है। अगर इसको हिंदी को हटा दें, ठीक है, इसको हटा दें और इसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन टिक करना होता तो इसको ऐसे कर लेते हैं। मेड वुमेन भी हो सकती है, डॉक्टर वुमेन भी हो सकती है, नौकरानी ना करके काम करने वाला अगर इसको कर दें, ठीक है, देखभाल करने वाला। मेड यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, केयर, होम टेकर, देखभाल करने वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वैसे तो उसके अंदर ऑप्शन नहीं है, अगर वास्तव में उसके हिसाब से देखा जाए तो फिर तो ये बनना चाहिए इस तरीके का, अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखे तो। पर वास्तव में अगर नहीं है तो फिर ये वाला सही है, ए ऑप्शन, इसको अपन सही मानेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे, स्विमर, कारपेंटर, सिंगर। स्विमर, कारपेंटर, सिंगर, जल्दी से बताइए, स्विमर, कारपेंटर और सिंगर तीनों में कॉमन कॉमन हो सकता है भैया? सही है कि नहीं है? जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, कॉमन हो सकता है क्या? स्विमर कारपेंटर नहीं हो सकता क्या? वो सिंगर नहीं हो सकता? सिंगर क्या स्विमर नहीं हो सकता? साप्ताहिक, आवधिक, पुस्तक, साप्ताहिक, आवधिक, पुस्तक क्या आएगा? वीकली, बुक्स हो सकते हैं, और पीरियोडिकल अलग चीज हो गई। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, मिनरल, कॉपर, वुड। मिनरल, कॉपर, वुड, मिनरल ये हो गया, लकड़ी अलग चीज है, वो न तो कॉपर है और न ही वो मिनरल है। पर आपको पता है कि कॉपर जो मिनरल्स खनिज के रूप में पाए जाते हैं, आपको पता है। चलिए नेक्स्ट, आगे देखिए, ह्यूमन बींग्स, मैरिड पीपल और डॉक्टर। ह्यूमन बींग्स, मैरिड पीपल और डॉक्टर। ह्यूमन बींग्स, मैरिड पीपल, डॉक्टर क्या होगा? ह्यूमन बींग के अंदर मैरिड पीपल आ गए और उनमें से कुछ डॉक्टर भी होंगे, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, डॉक्टर, आर्मी, इंजीनियर। डॉक्टर, आर्मी और इंजीनियर, एक बात बताइए, सेना में डॉक्टर्स भी होते हैं और इंजीनियर्स भी होते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं, पर सारे नहीं होंगे, कुछ कुछ होंगे। डायरेक्टर, इंजीनियर, म्यूजिशियन। डायरेक्टर, इंजीनियर और म्यूजिशियन, देखिए कुछ डायरेक्टर ऐसे हैं जो म्यूजिशियन हो सकते हैं, और क्या वो इंजीनियर नहीं हो सकते? हो सकते हैं, ठीक है, पर सारे तो नहीं होंगे, कुछ होंगे। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया लाजवाब। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो। एप्पल, ऑरेंज और मैंगो, जल्दी से बताइए, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो तीनों अलग अलग चीजें हैं, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फल, नाशपाती, घास। फ्रूट के अंदर पियर आ जाएगा, घास अलग हो जाएगा, ग्रास अलग चीज हो जाएगी। आगे, ऑक्सीजन, वायु, जल, O2 जल में भी होती है और O2 जो है आपकी वायु में भी होती है, सही है ना दोस्तों? क्लियर है? और कुछ जल वायु में भी तो होगा, क्या दिक्कत है? आर्द्रता के रूप में नहीं होता क्या? मॉइस्चर के रूप में नहीं होता क्या? एयर में होता है ना, मॉइस्चर के रूप में, क्लियर है कि नहीं है? तो सोच समझ के करना, जल्दीबाजी में मत करना क्वेश्चन, आराम से सोच समझ के करना, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट, खनिज, लोहा, तांबा। मिनरल के फॉर्म में आयरन, मिनरल के फॉर्म में कॉपर, पर कॉपर और आयरन दोनों जो हैं अलग अलग चीज़ें हैं, ये भी आप लोग बहुत ही भली प्रकार से आप लोग जानते हैं, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, डीन, पेंटर, सिंगर, जल्दी से बताइए, डीन, पेंटर और सिंगर। डीन, पेंटर, सिंगर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सीड, लीफ और रूट। सीड, लीफ और रूफ, तीनों, सीड जो है
बीज, पत्ती और जड़ है, तीनों अलग पेड़ के पार्ट हैं, लेकिन हैं तो तीनों अलग अलग ना। पत्ती जड़ तो नहीं हो सकती, सही है, नहीं है। पत्ती बीज भी नहीं हो सकती, सीड भी नहीं हो सकती, सीड रूट भी नहीं हो सकता, ठीक है, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, इंजन, पिस्टल, व्हील। इंजन, पिस्टल और व्हील क्या दे रखा है आपको? इंजन में पिस्टन होता है और व्हील एक अलग चीज़ हो गई। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे, अगला क्वेश्चन ये आप देखिए, कुछ स्पेशल क्वेश्चन यहाँ पे वेन डायग्राम के ऐसे भी आते हैं, तो आप लोगों को जल्दी से बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्या बोल रहा है? मेहनती कर्मचारी जो न तो अनुभवी हैं और न ही संघ के सदस्य, न तो अनुभवी और न ही संघ के सदस्य। तो भैया न तो अनुभवी और न ही संघ के सदस्य, यानी ये भी हटा दिया, सर्किल भी हटा दिया और ये जो रेक्टेंगल है ये भी हटा दिया, तो पोर्शन कितना सा बचा, ये वाला पोर्शन बचा बस। अनुभवी भी हटा दिए, संघ के सदस्य भी हटा दिए, बचा कौन? मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, आपका आईक्यू पावर जबरदस्त होना चाहिए, फटाफट से बस आप जो है क्वेश्चंस को करते जाइए। देखिएगा इधर अगला क्या बोला जा रहा है आपको, कारखाने में संघ के सदस्य कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है? संघ के सदस्य कर्मचारियों की कुल संख्या, ये लो, संघ के सदस्य कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होगी? 1+4+6। अब वो किसी में भी कॉमन आ रहे हो, क्या मतलब है? 11। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से करते जाइए, ऐसे क्वेश्चन में समय नहीं लगना चाहिए। संख्या तीन क्या निरूपित करती है? ये तीन जो है क्या निरूपित कर रही है? सिर्फ अनुभवी कर्मचारियों को निरूपित कर रही है। अनुभवी कर्मचारी जो न तो मेहनती हैं और न ही संघ के सदस्य हैं, ये होगा अनुभवी कर्मचारी जो न तो मेहनती हैं और न ही संघ के सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट आगे, 142 क्वेश्चन नंबर। कौन सी संख्या उन परिश्रमी व अनुभवी कर्मचारियों, परिश्रमी और अनुभवी कर्मचारियों को निरूपित करती है जो संघ के सदस्य नहीं है? संघ के सदस्य यानी कि ये हटा दिया अपन ने, ये तो हटा दिया, अब ये हटा दिया तो कॉमन क्या आ रहा है ये बता दो फटाफट से। दोनों में क्या कॉमन है? ये कॉमन है भाई, सिर्फ इतना सा ही कॉमन है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बहुत ही बढ़िया लाजवाब। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, ये क्वेश्चन दे रखा है और इसमें पूछा है ऐसे स्नातकों की संख्या कितनी है जो व्यावसायिक संगठन के सदस्य हैं? व्यावसायिक संगठन के सदस्य जो स्नातक हैं, व्यावसायिक संगठन के सदस्य जो स्नातक हैं, भाई सोच समझ के कर लेना, इसके लिए मना नहीं किया। सामाजिक संगठन के सदस्य, इसके लिए मना नहीं किया उसने। मेंबर ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए कुछ भी नहीं कहा है, बस उसने बोला ऐसे स्नातकों की संख्या जो व्यावसायिक संगठन के सदस्य हों। तो स्नातक और व्यावसायिक संगठन के सदस्य में तो ये पूरा कॉमन आ रहा है। 7 और 5 कितने हो गए? 12 हो गए। सोच समझ के कर लेना इसका आंसर कितना आएगा, 12। 12 इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया लाजवाब। जल्दी से करते जाइए, स्नातकों की संख्या जो सामाजिक संगठन के सदस्य, स्नातकों की संख्या जो सामाजिक संगठन के सदस्य हैं, तो त्रिभुज और वृत्त का कॉमन भाग, भले से उसमें ये भी आ रहा है तो भी इसका आंसर, ऐसे स्नातकों की संख्या जो सामाजिक संगठन के सदस्य हैं, यार ये क्वेश्चन में ऐसे स्नातकों की संख्या जो सामाजिक संगठन के सदस्य हैं, सामाजिक संगठन तो यही है ना, सॉरी ये बनेगा, ये त्रिभुज और वृत्त का कॉमन भाग ये बनेगा, 5+6=11। इसमें तो व्यावसायिक संगठन के सदस्य आ रहे थे, उसको हटा दिया अपन ने। चलिए नेक्स्ट, ऐसे स्नातकों की संख्या कितनी है जो केवल व्यावसायिक, केवल ओनली वर्ड आ गया भाई, यहाँ पे ढंग से देख लेना, ओनली सोशल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होने चाहिए। ऐसे ग्रेजुएट जो सिर्फ और सिर्फ सोशल जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन के वो होने चाहिए, संगठन के सदस्य होनी चाहिए। अब यहाँ पे ओनली वर्ड लिखा हुआ है, तो ओनली का मतलब क्या होता है? जो प्योर 100% है ना दोनों का कॉमन, वो होने चाहिए। कौन कौन से? एक तो ग्रेजुएट और दूसरा व्यावसायिक संगठन के सदस्य, जो केवल व्यावसायिक संगठन के सदस्य 100% श्योर। अब देखिए स्नातक और प्योर व्यावसायिक संगठन के सदस्यों में तो यही आ रहा है, ये वाला पोर्शन आ रहा है, क्या आएगा? 7 इज द करेक्ट आंसर, बहुत ही बढ़िया लाजवाब यार, मजा आ गया बिल्कुल देख के, शानदार, गजब, एकदम एक्सीलेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लाजवाब, शानदार यार। जल्दी से थम्सअप कर दीजिए एक बार सेशन को, चलते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ।
ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कलाकार और खिलाड़ी खिलाड़ी दोनों हैं? डॉक्टर कलाकार और खिलाड़ी दोनों होने चाहिए, डॉक्टर कलाकार और खिलाड़ी तीनों में कॉमन, यानी कि ये वाला पोर्शन, और इसके अंतर्गत आ जाएगा थ्री इज़ द करेक्ट आंसर, थ्री इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कलाकार भी हैं? खिलाड़ी जो कलाकार भी हैं, खिलाड़ी जो कलाकार भी हैं, देख लो जल्दी से एक बार, खिलाड़ी कलाकार भी हैं, क्या आंसर आएगा? पर वो डॉक्टर भी तो हो गए, मना थोड़ी किया उसके लिए। खिलाड़ी जो कलाकार हैं पर अब वो डॉक्टर में भी आगे अगर सपोज करो तो उसको मना थोड़ी करेंगे। 22 और 3 कितने हो गए? 25 हो गए मेरे भाई, सोच समझ के करना। देखो डॉक्टरों के लिए मना नहीं किया यहाँ पर, खिलाड़ी कलाकार, खिलाड़ी और कलाकार में कॉमन देखा तुमने तो ये पोर्शन आ रहा है। अब भले से वो डॉक्टर में भी आ रहा हो कुछ पोर्शन उसका, बहुत सारे लोग जो 22 टिक करे ना, आंखें खोल के सोच समझ के आराम से जवाब देना स्टार्ट कर दो, सोच समझ के। जल्दीबाजी में गलतियां करके आओगे तो फिर आते हुए क्वेश्चन को भी गलत करके आओगे। डॉक्टर के लिए उसने मना नहीं किया, तो जिसके लिए मना नहीं किया और अगर वो कॉमन पोर्शन में आ रहा है तो उसको भी लिया जाता है, भले से डॉक्टर वाला पोर्शन कॉमन में आ रहा हो दोनों के, आने दो। खिलाड़ी और कलाकार का कॉमन तो यही है ना, क्या आएगा? 25 आएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सोच समझ के करिए, जल्दीबाजी ना करें। ऐसा क्षेत्र जो केवल निजी क्षेत्र को दर्शाता है, जो केवल निजी क्षेत्र को दर्शाता है, तो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा? जो केवल, केवल मतलब जो 100% 100% निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर को दर्शा रहा है, वो कौन सा क्षेत्र है? 3। चलिए नेक्स्ट, ऐसा क्षेत्र अब केवल नहीं है, जो अर्ध सरकारी एवं सरकारी दोनों क्षेत्रों को दर्शाता है, ठीक है, जो अर्ध सरकारी और सरकारी दोनों क्षेत्र, अर्ध सरकारी ये है और सरकारी ये है, तो अर्ध सरकारी और सरकारी दोनों क्षेत्रों को दर्शा रहे हैं, कौन सा आएगा दोनों में कॉमन? 4 इज द कॉमन आंसर, ठीक है ना, करेक्ट आंसर, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। जल्दी से अगला क्वेश्चन, ऐसा क्षेत्र जो पूर्णतः सरकारी क्षेत्र है, जो पूर्णतया सरकारी क्षेत्र है, निम्नलिखित में से कौन से को दर्शाता है? जो पूर्णतया सरकारी, तो 100% जो सरकारी थी है, अर्ध सरकारी और निजी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो कौन सा होगा? 1 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों 150 क्वेश्चन अपन लोगों ने कर लिए, फटाफट से आप लोगों से एक बार जबरदस्त बोल रहा हूं, अब ये जो सेकंड हाफ आपका शुरू होने वाला है वो फर्स्ट हाफ से दुगना मजा देने वाला है, दुगना आपको सिखाने वाला है। तैयार हैं? फटाफट से थम्सअप कर लीजिए एक बार, पानी वानी पी लो, जल्दी से पानी वानी पी लो, जो भी हैं सभी लोग फटाफट से पानी वानी पी लीजिए एक बार। मजा आ रहा है एकदम, मक्खन की तरह क्लियर है यहाँ तक की चीजें। सेकंड हाफ, अब जो सेकंड हाफ स्टार्ट होने वाला है वो फर्स्ट हाफ से भी ज्यादा आपको मजा देने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके लिए बहुत ही बड़ा और लाजवाब तोहफा मैं आपको देने वाला हूँ, लाजवाब जबरदस्त तोहफा मैं आपको देने वाला हूँ। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कंप्लीट कोर्स ऑफ रीजनिंग चैप्टर वाइज PYP, यानी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा चैप्टर वाइज, जितने भी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, जैसे ये सेशन चल रहा है 300 क्वेश्चन का, ऐसे ही हर चैप्टर पे मैं आपको जो है वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं। ये अपना बैच चालू हो रहा है 18 नवंबर से दोस्तों, ग्रुप डी के लिए, तो आप लोग इसके लिए जो रेफरल कोड यूज कर सकते हैं वो यूज कर सकते हैं Deepu10, Deepu10, Deepu10 ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा मेरे भाई, क्या कहते हो? सही है, नहीं है, मजा आ गया कि नहीं आ गया? फटाफट से चैप्टर वाइज PYP, यानी 18 नवंबर से अपन लोग ये चैप्टर वाइज PYP करने वाले हैं, ग्रुप डी स्पेशल आपके लिए जो है, ये जो है स्पेशल कोर्स लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों की ह्यूज डिमांड पर, जो आप लोगों की डिमांड थी कि सर प्लीज हमें कोई ऐसा प्रोवाइड कराइए कोर्स जिसके अंदर सारे चैप्टर के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हो जाएं, तो ये कोर्स आपके लिए है मेरे भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब लोग, ठीक है, ये हो गया, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं भाई, जल्दी से बता दीजिए क्या आएगा। ऐसा क्षेत्र जो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को संबंधित हो, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों से संबंधित हो, क्या आएगा? 5। अगला क्वेश्चन, ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो केवल गायक हैं, ऐसे व्यक्ति जो केवल गायक है मेरे भाई, ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ प्योर और प्योर क्या हो, गायक होने चाहिए बस, और कुछ नहीं होने चाहिए, 100% प्योर गायक कौन से हैं? यही हैं,
प्योर गायक तो सिर्फ इतने ही हैं, 15 ही हैं, सही है ना। नेक्स्ट आगे, ऐसी स्त्रियों की संख्या कितनी जो प्रबंधक और गायक दोनों हैं, स्त्रियाँ प्रबंधक और गायक दोनों होनी चाहिए, तीनों का कॉमन पोर्शन, तीनों का कॉमन पोर्शन यानी कि 4। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है, मैनेजर्स कितने हैं जो न तो स्त्री और न ही गायक हैं, न स्त्री न गायक, यानी सर्किल भी हटा दिया ट्राइंगल भी हटा दिया, तो कॉमन कौन सा पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन कॉमन हो जाएगा और इस कॉमन पोर्शन में 35 अपना आंसर आ रहा है। लाजवाब करते जाइए, फटाफट से करते जाइए, रुकना नहीं है, तुरंत प्रभाव से करते जाइए भाई। ऐसे गायकों की संख्या कितनी है जो न तो स्त्री और न ही प्रबंधक हैं, न तो स्त्री और न प्रबंधक, अभी कर तो लिया अपन ने ये। अच्छा गायक पूछ रहा है इस बार, गायक जो न तो स्त्री और न ही प्रबंधक कितने हैं, 15। अगला क्वेश्चन, ऐसे मैनेजर्स कितने जो स्त्री हैं, मैनेजर जो स्त्री हैं, ऐसे मैनेजर जो स्त्री हैं ये पूछ रहे हैं। अब एक बात बताओ, मैनेजर जो स्त्री हैं, अब भले से अगर वो इस वाले पोर्शन में कॉमन में भी आ रहा है, गायक के कॉमन पोर्शन में भी आ रहा है, सिंगर के कॉमन पोर्शन में भी आ रहा है, तो मना तो नहीं किया है ना, मना नहीं किया है, और अगर कॉमन वाले में आ रहा है तो हम लोग ले लेंगे इसको, तो आंसर क्या बनेगा, 13 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ऐसे प्लेयर कितने हैं जो न तो कलाकार हैं और न ही डॉक्टर हैं, ऐसे प्लेयर जो न तो कलाकार और न ही डॉक्टर हैं, प्लेयर होने चाहिए पर न तो कलाकार होने चाहिए और न ही डॉक्टर होने चाहिए, सही है, तो ये पोर्शन बनेगा, क्लियर है, कौन सा आएगा, 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कलाकार जो कि खिलाड़ी हैं, कलाकार जो खिलाड़ी हैं, ये देखिए कलाकार और खिलाड़ी, सर्किल और आयत का कॉमन पोर्शन, अब भले से इसके अंदर डॉक्टर भी आ रहा हो, कॉमन में डॉक्टर भी आ रहा हो, हमें उससे क्या मतलब है, मना तो नहीं किया ना, हमें तो कलाकार आर्टिस्ट और जो प्लेयर है उसका कॉमन लेना था। 22 और 3 कितने हो गए अपने पास में, 25 अपना आंसर हो जाएगा, सही है कि नहीं है। चलिए जल्दी से करते जाइए फटाफट से, ऐसे कितने कलाकार हैं जो न तो चिकित्सक है और न ही खिलाड़ी है, न चिकित्सक होने चाहिए न खिलाड़ी होने चाहिए, ट्राइंगल भी हटा दिया सर्किल भी हटा दिया, बचा कौन सा, 30 इज द करेक्ट आंसर, ये वाला पोर्शन। अब चिकित्सक के लिए पूछा है, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो न तो खिलाड़ी हो न ही कलाकार हो, सर्किल भी हटा दिया रेक्टेंगल भी हटा दिया, बचा कौन सा पोर्शन, ये रहा डॉक्टर्स का, 17 इज द करेक्ट आंसर। करते जाइए, क्या समय लग रहा है आपको, मात्र 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड में आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, कितनी सोचने वाली बात है, और इसका लेवल भी यही है, जल्दी से करिए। ऐसे चिकित्सक जो खिलाड़ी हैं और कलाकार दोनों हैं, चिकित्सक खिलाड़ी और कलाकार दोनों हो, यानी कि तीनों का कॉमन यानी कि 3। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ऐसे कितने पुरुष हैं जो शहरी नहीं है, पुरुष बोल रहा है पुरुष होने चाहिए पर शहरी नहीं होने चाहिए, भाई पुरुष तो हो पर शहरी नहीं हो, ऐसे कितने पुरुष हैं जो शहरी नहीं हैं, एक बात बताइए, आप देखना इधर, अच्छा शिक्षित पुरुष, ऐसे कितने शिक्षित पुरुष हैं जो शहरी नहीं है, तो सर्किल हटा दो, सर्किल तो हटा दिया तुमने, पुरुष रेक्टेंगल और शिक्षित वाला ट्राइंगल का ये वाला पोर्शन, तो सिर्फ 11 आएगा, शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं है, तो 11 आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट आगे, ऐसे कितने व्यक्ति हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, ये लीजिए करिए अब इसको, जो न तो लोक सेवक, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो न तो लोक सेवक नहीं शिक्षित और नहीं पुरुष हैं लेकिन शहरी हैं, शहरी तो हों लेकिन तीनों नहीं होने चाहिए, लोक सेवक भी नहीं होने चाहिए, पुरुष भी नहीं होने चाहिए, शिक्षित नहीं, शिक्षित न पुरुष हो, सिर्फ शहरी होने चाहिए, बाकी की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे, पुरुष बोल रहा है जो शहरी और लोक सेवक है, पुरुष जो लोक सेवक और शहरी हो, शहरी लोक सेवक पुरुष, ये आएगा तीनों में पोर्शन, शहरी लोक सेवक पुरुष, क्या आ गया, 6 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे, शिक्षित पुरुष एवं शहरी से संबंधित हो, शिक्षित पुरुष और शहरी, शहरी शिक्षित पुरुष, ये आएगा,
शहरी शिक्षित पुरुष, क्या आ गया? फोर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे, केवल लोक सेवक बोल रहा है भाई, केवल लोक सेवक, लेकिन पुरुष नहीं होने चाहिए, यानी ये रेक्टेंगल तो हटा दिया तुमने, और ना ही उसके अंदर वो क्या होने चाहिए, शहरी होने चाहिए, और ना ही शिक्षित। केवल लोक सेवक हो, ना तो पुरुष हो, ना ही शहरी हो, और ना ही शिक्षित हो। सर्किल हटा दिया, ट्राइंगल हटा दिया, रेक्टेंगल हटा दिया, तो स्क्वायर का कॉमन पोर्शन में क्या बचा? सिर्फ 7 बचेगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे, ऐसे ग्रामीण, ग्रामीण जो परिश्रमी और बेरोजगार हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं है। परिश्रमी हो, बेरोजगार हो, परंतु बुद्धिमान नहीं हो भाई, बुद्धिमान नहीं होने चाहिए। परिश्रमी और बेरोजगार हो परंतु बुद्धिमान नहीं हो, तो देखना इधर, ये ट्राइंगल ग्रामीण को दर्शा रहा है। ऐसे ग्रामीण जो परिश्रमी और बुद्धिमान हो, सही है, ऐसे ग्रामीण जो परिश्रमी और बुद्धिमान हो, लेकिन ठीक है, परिश्रमी तथा बेरोजगार हो पर बुद्धिमान नहीं हो, यानी ये तो हटा ही दिया बीच वाला, ये हटा ही दिया। इसका कॉमन में तो क्या आएगा फिर, यही आएगा, बचा कौन? 5 में तो प्योर वो आ गया, इसमें सिर्फ ये आ रहा है, इसमें आएगा, सिर्फ 2 वाला पोर्शन बनेगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ऐसे ग्रामीण परिश्रमी व्यक्ति जो न तो बेरोजगार है और न ही बुद्धिमान है। ऐसे ग्रामीण बेरोजगार व्यक्ति जो न तो एक तो बोल रहा है ऐसे ग्रामीण परिश्रमी व्यक्ति, ग्रामीण होने चाहिए और परिश्रमी होने चाहिए, ग्रामीण होने चाहिए और परिश्रमी होने चाहिए, यानी ये पोर्शन अपन लोग ले सकते हैं एक बार, ठीक है, ये ग्रामीण और परिश्रमी में आ रहा है। न तो बेरोजगार, ये लो बेरोजगार नहीं हो, तो सर्किल तक हट गया, सिर्फ बच रहा है 14, सिर्फ 14 तक बच रहा है। फिर आगे बोल रहा है कि और बुद्धिमान भी नहीं हो, ये 14 भी बुद्धिमान में आना है, यही सारे ऑप्शन ही सारे ही हट गए, सर्किल, रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह सब कुछ हट गए मेरे भाई, चारों ही हट गए, तो क्या आएगा? किसी भी क्षेत्र में नहीं हो। डी ऑप्शन बनेगा इसका आंसर, किसी भी क्षेत्र में नहीं हो। आंखें खोल के देखो, सारे ही हट गए ना, ग्रामीण परिश्रमी होना चाहिए, तो भैया ग्रामीण परिश्रमी हट गया, ग्रामीण परिश्रमी हट गया, सही है कि नहीं है? क्योंकि उससे बेरोजगार हट गए, बुद्धिमान हट गए, सारे हट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे, ऐसे ग्रामीण जो बेरोजगार हैं, ग्रामीण बेरोजगार हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं है एक तो, और नहीं परिश्रमी है, ये लो, परिश्रमी भी नहीं हो, यानी कि रेक्टेंगल और स्क्वायर हट गया, रेक्टेंगल स्क्वायर हट गया, तो सर्किल और ट्राइंगल का कॉमन पोर्शन क्या है? सिर्फ इतना सा, सही है। 6 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 6। चलिए नेक्स्ट, ऐसे व्यक्ति जो बेरोजगार हैं, बेरोजगार ठीक है, सर्किल वाला आ गया, परिश्रमी और बुद्धिमान है, ये लो, ट्राइंगल सॉरी स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में आ गया, 1 पे चले गए, किस क्षेत्र को निरूपित करेगा? इस क्षेत्र को देखना है एक बार, इस क्षेत्र को ध्यान से देखिएगा एक बार, पहले तो उसने बोला बेरोजगार, अच्छा ग्रामीण नहीं है, उसने ये भी बोल दिया ना, ग्रामीण नहीं है तो ट्राइंगल वाला पोर्शन नहीं लेंगे फिर, ग्रामीण नहीं है इसका मतलब ट्राइंगल वाला पोर्शन नहीं लेंगे फिर, तो कौन सा होगा? सिर्फ 9 होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला, ऐसे बेरोजगार व्यक्ति जो ग्रामीण न बुद्धिमान और नहीं परिश्रमी हो। बेरोजगार व्यक्तियों की बात कर रहा है एक तो, ठीक है, पर साथ में ये भी बोल रहा है कि ग्रामीण नहीं होने चाहिए, बुद्धिमान नहीं होने चाहिए, परिश्रमी नहीं होनी चाहिए, सही है, नहीं है? तो एक बात बताओ, कौन सा बचेगा, कौन सा पोर्शन बचेगा? एक तो 15 प्योर 15, और एक ये प्योर 7, बाकी पूरा हट जाएगा, तो 15 एवं 7। चलिए नेक्स्ट आगे, अगला क्वेश्चन जल्दी से करेंगे, फटाफट से। व्यक्ति जो ग्रामीण नहीं है, बेरोजगार नहीं है, और बुद्धिमान भी नहीं है, लेकिन परिश्रमी है, प्योर परिश्रमी वाले, बाकी सब हटा दो, प्योर परिश्रमी होने चाहिए, तो प्योर परिश्रमी कितने? 12। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, जो बेरोजगार परिश्रमी बुद्धिमान और ग्रामीण चारों ही हो, बेरोजगार परिश्रमी बुद्धिमान चारों ही हो भाई, चारों का कॉमन क्या आ गया? डी ऑप्शन, 1 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है 1 आ जाएगा भाई। चलिए जल्दी से, कौन से राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जो न तो अध्यापक हैं न स्नातक हैं? ऐसे राजनीतिज्ञ जो न तो अध्यापक हैं और न ही स्नातक हैं,
ऐसे राजनीतिज्ञ जो न तो अध्यापक है और न ही स्नातक हैं। ट्राइंगल हटा दिया, सर्किल हटा दिया, तो कॉमन कौन बचा? ए और बी। ए और बी कॉमन बचा, डी ऑप्शन। ए और बी इज दी कॉमन आंसर। चलिए जल्दी से फटाफट से बताएंगे, डू फास्ट। ऐसे सदस्य कौन है जो स्नातक भी हों और अध्यापक भी हैं? स्नातक भी हों और अध्यापक भी हों, स्नातक और अध्यापक। एच आ रहा है, स्नातक अध्यापक, ठीक है, एच इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, स्नातक है, अध्यापक हैं, लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं है। राजनीतिज्ञ नहीं है तो यानी पूरा हटा दिया, राजनीतिज्ञ नहीं है यानी ट्राइंगल पूरा हटा दिया, ट्राइंगल पूरा हटा दिया। तो बताइए अब क्या बचा, स्नातक या अध्यापक हो, या तो स्नातक हो या अध्यापक हो, बताइए क्या आएगा? या तो स्नातक हो या अध्यापक हो, देखिए इधर, ये तो हटा ही दिया, ये पूरा हटा दिया तुमने, ये ट्राइंगल पूरा हटा दिया। अब ये ट्राइंगल पूरा हटा दिया तो बचा कौन है? एक एफ बच रहा है और एक ई बच रहा है, ई एंड एफ। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सही है। चलिए नेक्स्ट, अगला, जो राजनीतिज्ञ भी हैं और अध्यापक भी हैं, जो राजनीतिज्ञ भी हैं और अध्यापक भी हैं, भाई जल्दी से बता दो, राजनीतिज्ञ भी हैं और अध्यापक भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं और अध्यापक भी हैं, ये आ रहा है यार राजनीतिज्ञ अध्यापक में तो। अच्छा, स्नातक भी होने चाहिए, स्नातक भी होने चाहिए, ऐसे स्नातक जो राजनीतिज्ञ और अध्यापक हो, तो फिर तो यही आएगा, स्नातक, राजनीतिज्ञ और अध्यापक, एल और एच, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, कौन सा राजनीतिज्ञ के समूह, राजनीतिज्ञ का समूह संसद सदस्य नहीं है? राजनीतिज्ञों का समूह जो संसद सदस्य नहीं है, ठीक है, राजनीतिज्ञों का समूह होना चाहिए पर संसद सदस्य नहीं होने चाहिए, तो एक बात बताओ कौन कौन सा आएगा इसके अंदर? ए डी सी एल, देखिए ये तो हटाई दिया आपने, बचा कौन? ए डी सी और एल, यही तो बचे, बाकी तो हट ही जाएंगे। सॉरी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करिए फटाफट से, अब पुराने वाले पीछे वाले ट्रैक पर आते हैं और फटाफट से एक बार इन क्वेश्चंस को करने के बाद में, लगभग 70-80 क्वेश्चन अपन ने इस तरीके के भी कर लिए, अब फटाफट से इन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। शिक्षक कवि स्नातक, भैया टीचर ग्रेजुएट हो सकता है पर सारे नहीं हो सकते, और वो शिक्षक और वो कवि भी हो सकते हैं, जल्दी से स्पीड से करेंगे। बाघ चौपाया हाथी, चार पैर वाला हाथी भी होता है, चार पैर वाला बाघ भी होता है, तो आंसर डी ऑप्शन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हाथी भेड़िया जानवर, जानवर हाथी भी हो सकता है, भेड़िया भी हो सकता है, ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तरल पदार्थ, धातुएं और गैस, ठीक है, तो एक बात बताइए 182 क्या बनेगा इसका आंसर? तरल पदार्थ, धातुएं और गैस, कुछ धातुएं तरल पदार्थ के रूप में होती हैं, सही है कि नहीं है, और ये गैस अलग हो गया, बताओ कैसे? कुछ धातुएं जैसे पारा, मरकरी, तरल पदार्थ में होता है ना, तरल अवस्था में होता है, और ये गैस अलग हो गया, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे, चूना सीमेंट और ईट, चूना सीमेंट एंड ईट, लाइम, चूना अलग है, सीमेंट अलग है, ईट अलग चीज है, तीनों अलग अलग है। अगला क्वेश्चन, अपराधी, चोर, पॉकेट मार, क्रिमिनल में चोर भी आ जाएगा, पॉकेट मार भी, पॉकेट मार चोर ही तो होता है, पॉकेट मार कौन होते हैं? चोर होते हैं, बताइए पॉकेट मार कौन होगा? चोर होगा, पर क्या दुनिया के सारे चोर पिक पॉकेटर होंगे? थीव्स, चोरी करने का चोर जो होता है, जरूरी क्या वो पॉकेट मार जो है वो चोर है भाई, पॉकेट जो उसके अलावा जो चोर है और भी तो काम कर सकते हैं, ब्लैकमेलिंग का काम भी कर सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा एक बार, उसके बाद बताइए।
भाई अपराधी के अंदर दोनों आएंगे, पिक पॉकेटर और थीव, चोर। पर जरी चोरी है क्या जरूरी है क्या चोर जो है उसने पॉकेट ही मारा हो? गहने भी तो चुरा सकता है और भी चोरी कर सकता है, कारें चुरा सकता है जैसे आप लोग जानते हैं। तो सारे पिक पॉकेटर चोर नहीं होते, सारे चोर जो हैं वो तो क्या होते हैं, सारे चोर पिक पॉकेटर नहीं होते, लेकिन पिक पॉकेट करने वाले, पॉकेट मार जो हैं वो तो चोरी हुए ना। सोच समझ के जवाब देना, एक बार सोच समझ के जवाब देना भैया, ये अपराधी क्रिमिनल। चोर जो हैं वो पॉकेट जरूरी नहीं है, उसने पॉकेट मारा हो वो पॉकेट मारो, पर दुनिया के जितने भी पॉकेट मारे हैं उनकी गिनती किस में होगी? चोरों में होगी। सोच समझ के करना। मैक्सिमम लोगों का आंसर यहाँ पे सी आ रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ भाई अभी भी सोच लो, समय है तुम्हारे पास, आराम से सोच के जवाब दे सकते हो। ये अपराधी, अपराधी के अंदर दुनिया के सारे कौन आ गए? चोर आ गए। जो पॉकेट मारे तो वो भी तो चोर हुआ, जिसने पॉकेट चुराया है, पॉकेट में से उसने पैसे चुराए हैं, तो वो कौन हो गया? किसके अंतर्गत आ गया? चोरों के अंतर्गत आ गया ना, सही है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट आगे सोचते हैं, समझने की बात है। जो लोग सी आंसर टिक कर रहे थे वो अब समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए बनना था। चलिए नेक्स्ट, अगला क्या आएगा? विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सही है? नहीं, मेडिकल साइंस, केमिस्ट्री, दोनों साइंस के पार्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे, इतिहास, भूगोल, भूगर्भ शास्त्र, इतिहास, भूगोल, भूगर्भ शास्त्र, हिस्ट्री अलग है, ज्योग्राफी अलग है, भूगर्भ शास्त्र अलग है। चलिए नेक्स्ट, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट, अगला, गाजर, खाद्य सब्जी, फूड, ये तीनों एक दूसरे के अंतर्गत चले जाएंगे, ये लीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे, ऑटोमोबाइल, कार, लेक्सस एलएस, लेक्सस एलएस जानते हो क्या है? लेक्सस एलएस भाई कार ही है, कार का नाम है, परेशान मत हो करो, जब भी उठपटांग आए ना तो समझ जाना कार है वो। जैसे आपके लिए हैरिंग आया था, मछलियाँ, फिश के साथ हैरिंग दे रखा था, तो हैरिंग एक प्रकार की मछली, ठीक है, जो वहाँ पे आपने पढ़ा, तो इस तरीके का बनेगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बहुत ही प्यारा लाजवाब। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, पानी, मेंढक, कछुए, पानी, मेंढक और कछुए, बताइए। कछुए पानी में रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं, मेंढक भी पानी में रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पर मेंढक कछुआ तो नहीं होता ना, पर पानी में दोनों रह सकते हैं, दोनों पानी में रह सकते हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द्वीप, समुद्र, मछलियां, आइसलैंड, सी, फिशेस। अब आइसलैंड तो कहाँ होंगे? सी में होंगे, और सी में क्या होंगी? फिशेस होंगी, पर कुछ फिशेस जो होंगी आइसलैंड पर भी तो होंगी, हो सकता है आइसलैंड पे पॉन्ड वॉन्ड हो, तो क्या नहीं हो सकता है कि भाई मछलियां तो उसमें भी हो सकती हैं, तो इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा, सही है। चलिए नेक्स्ट, सारी नहीं पर कुछ तो होंगी। आगे, रॉटवीलर, कुत्ते की एक ब्रीड है, याद रख लेना, एक प्रजाति है रॉटवीलर, आप लोग जानते हैं आराम से, और नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। कुछ बिल्लियां पालतू हैं और रॉटवीलर जो है वो पालतू जानवर है, कुत्ते की एक ब्रीड है, सही है। चलिए नेक्स्ट आगे, लाभ, लाभांश, बोनस, लाभ का जो अंश है वो लाभ का ही भाग है, लाभ का जो अंश है लाभ का अंश हो गया, लाभांश और बोनस, ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, टीचर, पेरेंट, ग्रेजुएट, टीचर, पेरेंट्स और ग्रेजुएट, क्या टीचर पेरेंट्स नहीं हो सकते? पेरेंट्स जो होते हैं वो गार्जियंस होते हैं, सही है नहीं है? और वो टीचर्स भी हो सकते हैं, क्या दिक्कत है? वो टीचर नहीं हो सकते,
हो सकते हैं ना भाई, जो पेरेंट्स होते हैं वो गार्जियन होते हैं, पर क्या सारे गार्जियन माता पिता होते हैं क्या? नहीं, और उनमें से कुछ टीचर्स भी हो सकते हैं। तो आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फटाफट से। चलिए जल्दी से करिए फटाफट से अपन लोग, ठीक है? फिर नेक्स्ट सेशन देखिए स्टार्ट होने वाला है, तो अपन लोग 300 क्वेश्चन जो है आज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपन 200 क्वेश्चन अपन यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं, 100 क्वेश्चन अपन लोग कल कर लेंगे बिल्कुल डेफिनेटली, ठीक है? चलिए जल्दी से फटाफट से करिए, क्योंकि 12 बजे आपको पता है कि दूसरी क्लासेस है, सबके स्लॉट फिक्स होते हैं। अपन ने 200 क्वेश्चन आज कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन अपन लोग कर करेंगे, लेकिन जल्दी से फटाफट से बताइए, तेल बाती और लैंप, बताइए क्या बनेगा? क्या बनेगा? लैंप के अंदर तेल और बत्ती दोनों होते हैं भाई, सीधी सी बात है। सी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। गेहूं पाव रोटी और जो, गेहूं पाव रोटी और जो, जल्दी से बताइए भाई, पाव रोटी किसकी बनती है? पाव रोटी किसकी बनती है? जो की बनती है, सही है? और जो अलग हो गया, क्लियर है? सॉरी, पाव रोटी जो की बनती है और गेहूं अलग हो गया, सही है कि नहीं? क्लियर है? नेक्स्ट आगे, चचेरा चचेरी, पति पत्नी और माता, कजन वाइफ एंड मदर, क्या वाइफ कजन नहीं हो सकती? दुनिया की सारी मदर्स जो भी होंगी, ठीक है, वो कौन होंगी? वाइफ होंगी, सीधी सी बात है, सही है ना? देखिए इधर, दुनिया की जितनी भी माताएं होंगी वो कौन होंगी? वाइफ्स होंगी, और उनमें से कुछ ऐसी होंगी जो कजन्स होंगी, ठीक है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और मॉनिटर, मॉनिटर अलग हो जाएगा, इनपुट डिवाइस के अंदर कौन आ जाएगा? कीबोर्ड आ जाएगा, ये बन जाएगा अपना डायग्राम, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। नर्स मेल और डॉक्टर, ठीक है, मेल और डॉक्टर, जो देखिए डॉक्टर जो हैं, कुछ डॉक्टर जो हैं वो मेल हो सकते हैं, ठीक है, और नर्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो लोग जो हैं वो मेल भी हो सकते हैं, सही है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? बहुत ही बढ़िया शानदार, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से फटाफट से बताएंगे, हाइड्रोजन वाटर यूनिवर्स, हाइड्रोजन वाटर यूनिवर्स, ठीक है, हाइड्रो, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन है, ब्रह्मांड में वाटर भी है, सही है कि नहीं? और कुछ हाइड्रोजन पानी के अंतर्गत भी है, सही है ना? क्लियर है? तो इस तरीके से बनेगा डायग्राम, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। नाइट्रोजन बर्फ हवा, ठीक है, नाइट्रोजन बर्फ हवा, एयर में क्या है? नाइट्रोजन है, और आइस अलग चीज़ हो गई, क्लियर है कि नहीं? क्या बनेगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये जबरदस्त 200 क्वेश्चन अपन लोगों ने कर लिए, ठीक है, मैं आपको जो है फटाफट से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार, ठीक है, ये 201 से लेके 300 तक के जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन भी है 201 वाला, तो ये क्वेश्चन अपन लोग कल करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, 100 क्वेश्चन अपन लोग संडे को
अभी इसका इवेंट बना देंगे, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि अभी अगली क्लास का टाइम हो चुका है। तो दोस्तों अपन इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो कल मिलने वाले हैं अपन लोग सेम बिल्कुल संडे की क्लास को, 100 questions अपन लोग कर लेंगे। मस्त लगा, फटाफट से थम्सअप करके बता दो एक बार, वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है, मस्त एकदम मस्त है ना, सब कुछ सही चल रहा था, मजा आया, बहुत बढ़िया, मक्खन की तरह चीजें समझ में आ गई। तो दोस्तों बिल्कुल आप लोग जो हैं तो दोस्तों एनटीपीसी की जबरदस्त टेस्ट सीरीज अपनी चालू हो गई है, 96 टेस्ट जो हैं आपके पास में अवेलेबल हैं और आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से धुआंधार बैटिंग हम लोग करते रहेंगे और करना स्टार्ट कर दिया और करते रहेंगे, तो 96 टेस्ट देकर आप लोग जो है अपना सिलेक्शन डेफिनेटली श्योर कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ SSC CGL के लॉन्ग जितनी भी क्लासेज हैं आपके अपकमिंग जो बैच चालू होने वाला है, ठीक है, 15 तारीख से चालू होने वाला है दोस्तों, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर रेफरल कोड आपको यूज करना है WIFI SSC और 96 टेस्ट की जो सीरीज थी अपनी एनटीपीसी वाली, उसके लिए आपको जो रेफरल कोड यूज करना है वो WIFI NTPC आपको चूज करना है। तो सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा, इसी तरीके से ज्वाइन करिए और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाकर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, कल मिलते हैं 100 क्वेश्चन के साथ में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।